हेलो बच्चों वेलकम टू सिम्बुल स्ट जोन और सभी लोग कैसे हैं बढ़िया हैं अच्छे हैं हाँ सभी लोग बढ़िया मस्त क्या मेरी आवाज़ क्लियर है क्या आपको स्क्रीन विजिबल है तो बताए सा हेलो बच्चों जल्दी बताएं भैया जल्दी बताएं क्या मेरी आवाज़ क्लियर है क्या आपको वॉइस जो है विजिबल है कोई दिक्कत तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं है हाँ huh? जल्दी जल्दी नाउ क्लियर अच्छा भैया सब जल्दी से अपने वीडियो शेयर कर दे सब लोग ठीक है अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी जुड़ सकें ये बच्चे बहुत कम हैं सभी लोग जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए उसके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिनिश करेंगे आज पूरा हमने पिछली क्लास के अंदर फोर्स क्या होता है ठीक है हमारी बॉडी मोशन कैसे करती है फोर्स किस किस प्रकार के होते हैं बैलेंस होता है अनबैलेंस होता है ठीक और उसने पढ़ा फर्स्ट लॉ मोशन क्या होता है फर्स्ट लॉ मोशन को हमने इनर्सिया भी कहते हैं और इनर्सिया क्या होती है हमने उसको भी पढ़ा ठीक है उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमने है? उसको भी देखे उसके हमने देखा कि इनर्सिया किस पर डिपेंड करता है तो हमें पता चला कि इनर्सिया हमारा मास पर डिपेंड करता है हमने उसको भी देख लिया ठीक है हमने इतनी बातों को आराम से डिस्कस कर लिया है तो हमने इतनी बातों को आराम से डिस्कस कर लिया है बट द मेन बट द मेन थिंग इज इन चैप्टर इज कमिंग नाउ जो बड़ी चीज है इस चैप्टर में से वो आ जाने वाली विच इज नॉन एज मोमेंटम एज मोमेंटम सेकेंड लॉ मोशन एंड थर्ड लॉ मोशनो फाइन ठीक है तो जो बड़ी चीज है ना चैप्टर में से वो आ जाने वाली विच इज नोन एज मोमेंटम इनर्सी मास इनर्सी मोशन है वो ठीक है इनर्जी डिपेंड ऑन मास इनर्पेंड ऑन मास ठीक है तो ये फंडा है ये फंडा है हमने अब तक पिछले चैप्टर पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था आज जो चीज़ें पढ़ाऊँगा उसी में से आपकी उसी में से आपकी क्या होगी भैया आज मेंटी होगी ठीक है उसी में से आपकी मेंटी होगी तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको एक बार बता दें फिर से ठीक है मैं एक मिनट बाद अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा उसके बाद फिर अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे फिर थोड़ी ना किसी के लिए बच्चे बाद में आते हैं कैसे लेट हो गया मैं तो सभी एक बार शेयर कर दे वीडियो और उसके बाद एक मिनट बाद क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं ओनली वन मिनट ठीक है ओनली वन मिनट प्रजेंट ओके आर उसी प्रजेंट ओ आ वेरी गुड ठीक है सभी लोग जल्दी से वीडियो शेयर कर दे उसके मिनट के पश्चात अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा मैं जल्दी जल्दी शेयर करें सब मिनटी में, में आ जाएंगे मिनटी <coughs> में, में आके क्या करेंगे सब मेंटी में आ करके भैया क्या करेंगे सब हाँ जिसका टॉपिक क्लियर उसके तो वेरी गुड मेंटी में आओ मेंटी में खेलो तुम सिर पर इसको थ्योरी भी नहीं कंप्लीट फिर मेंटी में आते हुए मेंटी में ग्राफ दिखाते हो ऐसा अजीब अजीब सा ऐसा ग्राफ जाएगा फिर एक्टोग्राफ इतना बड़ा जाएगा फिर एक्टोग्राफ ऐसे जाएगा फिर एक ग्राफ इतना बड़ा जाएगा और सही इसमें से होगा ये वाला या ये वाला या ये वाला कभी कभी तो ऐसे भी आता है अलग ग्राफ हो जाता है अब बताओ तो मेंटी में आ रहे हो तो भाई थोड़ा थ्योरी तो जानना चाहिए ना यार तुम यहाँ मत पढ़ो मैं नहीं कहता यहाँ पढ़ो बैठ करके ठीक है मैंने कहता वीडियो पर आकर टाइम वेस्ट को मैं नहीं कहता गुड इवनिंग नितिन ठीक है मैं नहीं कहता कि तुम यहीं आके पढ़ो मेरे पास ठीक है मैं ये नहीं कहता तुम यहाँ पढ़ो मैं इतना चाहता हूँ बस यार जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुमको यहाँ पढ़ने की इच्छा नहीं तुम खुद से पढ़ो तुम खुद से पढ़ो ठीक है इतनी बढ़िया बढ़िया नोट्स बना कर लाते हैं मेहनत करते हैं और तब भी आप लोग सोचते हैं मेंटी में आग खेल चलते हैं हम बिगला कर आंसर मारोगे मैंने क्या सोचा है कि कल संडे है कल संडे है और जितने मैंने अब तो सवाल मेंटी के अंदर करवाए हैं ठीक है मैंने तो इतने सवाल मेंटी के अंदर करवाए हैं और जो मैं कहता था गलती करो पर गलती को दोहराओ नहीं समझे मैंने क्या कहा था मेडिसल करवाने वक्त जब मुझसे गलत आंसर देते मैंने क्या कहा था कि मैं मतलब गलती करिए पर गलती को दोहराइए मत गलती करो एक बार सही है गलती करोगे तभी तुम सीखोगे बट उस गलती को बार बार दोहराओ मत उस गलती को बार बार दोहराओ मत एक बार गलती कर दिए उससे सीख लो उसको ज़िंदगी में उसको तुमको सवाल दोबार दिख जाए तो उसको दोहराओ मत तब तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं तुम्हारे लिए तो सब बेकार है नहीं तुम्हारे लिए सब बेकार है और मैं वही काम करूँगा ठीक है मैं कल नहीं तो परसों मैं कल नहीं तो परसों मैंने अब तो जितने सवाल करवाए हैं मैंने अब तक मेंटी में जितने सवाल करवाए हैं और जितनों का बच्चों ने गलत आंसर दिया है तो जितने का ग्राफ बड़ा बड़ा गया था गलत वाले में मैं सारे सवाल उठाऊंगा मैं सारे सवाल उठाऊंगा और सबका मेरे पास इतना तुम लोग का आता है ग्राफ ना सब पड़ा रहता है ठीक है और सब मैं उठाऊंगा सब मैं चेक करूंगा मैं दोबारा यहाँ पे मेंटी में लूंगा और अगर मुझको उसका ग्राफ गलत में गया और अगर सर ग्राफ भैया गलत में गया गुड इवनिंग प्रभात ठीक है और अगर सर ग्राफ गलत में गया फिर बताओ फिर बताओ भैया तुम लोग कि कहाँ पे हो तुम लोग फिर तुम लोग बताओ तुम लोग कहाँ पे स्थिर हो हाँ ये जो बच्चे अल्साते हैं पढ़ने में ना, ना 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 दस नहीं रहेंगे रहेंगे तो छ ही पाँच रहेंगे ठीक है कंप्यूटर भी करवा देंगे ठीक है कल परसों में करवाऊंगा मेंटी जो कहते नहीं है गलती को दोहराओ मत अब देखते हैं कितने बच्चे इस बात को पकड़े हैं ठीक है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को इतना हल्के में ना लो कि तुमको हल्के में ले ले जिस भैया तुमको हल्के में ले ली ना तुम्हें कोई सहारा भी नहीं देगा तो ध्यान रखना ठीक हमारे पास एक ऐसी चीज़ भगवान ने दी है कि जो हमसे कोई छीन नहीं सकता वो है हमारा ज्ञान ठीक कितना भी मेरा आदमी हो कितना पावरफुल आदमी हो तुम्हारे ज्ञान को नहीं छीन सकता बाकी सब कुछ छीन सकता है तुमसे इतना ध्यान रखना ठीक है और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकता है बट तुम्हारा जो ज्ञान है ना जो तुम्हारे पास नॉलेज है वो तुमसे कोई भी नहीं ले सकता और जब बहुत से बच्चे मस्ती करने जाते हैं इधर उधर ठीक हाँ बहुत सी जगहें हैं मस्ती के लिए बन गई हैं आजकल ठीक है वहाँ जाते हैं गलत बात है सर समझे ये सब काम छोड़ो और पढ़ाई फोकस करो ठीक चलो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं भैया कि हमारा फोर्स क्या होता है ठीक है हमारी बॉडी को मोशन करवाने में हमारा फोर्स काम देता है ठीक और दूसरा हमारा क्या था कि हमने फोर्स के दो पार्ट्स पढ़े थे क्या पढ़े थे हमने कि हमारा फोर्स दो प्रकार का होता है होता है हमारा बैलेंस फोर्स एंड एन, एन अदर इन अनबैलेंस फोर्स ठीक है हमने पढ़ लिया हमारा बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जब दो इक्वल फोर्सेज लगे अपोजिट डायरेक्शन से ठीक है उससे क्या होगा कि दोनों से जो कैंसिल आउट कर देंगे वो एक दूसरे कैंसिल आउट कर दे तुम्हारा फोर्स क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब हमारी बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी तुम्हारा क्या था बैलेंस फोर्स था फिर हमारा अगला आता है अनबैलेंस फोर्स अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि जब दो फोर्सेस लगे अन इक्वल फोर्सेस लगे किसी बॉडी के ऊपर ठीक है अब चाहे अपोजिट लगे चाहे सेम लगे अब अनइक्वल है तो बॉडी मूव करेगी अब अनइकवल है तो बॉडी मूव करेगी यानी कि हमारा क्या होगा भैया बॉडी मोशन में आएगी तो अन इक्वल फोर्स से क्या होती है बॉडी हमारी मोशन में आती है ठीक है हम लोग कहते हैं अन इक्वल फोर्स कहते हैं ठीक है अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं उसी को ठीक है और उस पर हमारा क्या आता है हाँ फर्स्ट लॉ मोशन और फर्स्ट लॉ मोशन ने क्या देखा था कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी ठीक है ये हमको बताया किसने फर्स्ट लॉ ऑफ मौसम में बताया गया था ठीक है हम ये हमको भैया न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन ने हमको बताया था अब इसके बाद देखिए बात क्या आती है इसके बाद देखो बात क्या आती है फर्स्ट लॉ मोशन को हम लोग इनर्सिया कहते हैं ठीक है मैं रिविजन करवा रहा हूँ पिछली क्लास का हम लोग हम लोग इनर्सिया करवाते हैं मतलब इनर्सिया क्या होता है तो इनर्सिया होता है जो किसी के बॉडी के चेंज स्टेट ऑफ चेंज में अपोज़ करता है मतलब अगर बॉडी मौसम को मौसमी चाहता रहता रहे चलता रहे ठीक है अगर बॉडी रेस्ट पर चाहेगा रेस्ट पर ही रहे क्योंकि बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है तो इनर्सिया चाहे कि उसी डायरेक्शन में बॉडी हमारी जाइए क्या होता है इनरसिया ठीक है और इनर्सिया जो होता है हमारे मास पर डिपेंड करता है अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो इनर्सिया ज़्यादा अगर मास कम तो इनर्सिया कम ठीक है तो ये था पूरे कल की क्लास का एक छोटा सा समरी ठीक इससे आप लोगों के माइंड पूरा आ गया होगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम पिछले कल से पढ़ना शुरू किए अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं ठीक है तो थोड़ा डिविजन करने से मजा आता है उससे लगता है कि नहीं हमने जहां छोड़ा है वहीं शुरू कर रहे हैं ठीक है बट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्लास के अंदर फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन अब देखिए आज का टॉपिक आ रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखिए है ठीक है हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना जहाँ छोड़ा था भाई हमने कल कहाँ छोड़ा था फर्स्ट लॉ मोशन पढ़ा छोड़ा था हमने आज पढ़ेंगे सेकंड लॉ मोशन देखो सेकंड लॉ मोशन होता क्या अब आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन में से और आपका जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ रहा है और जो आपका मोमेंटम है इनसे सवाल बनते हैं मतलब इससे मैक्सिमम सवाल बनते हैं इससे नोमिकल अधिक आते हैं और जब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ठीक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये सभी चीज़ें ये सभी चीज़ें अत्यंत इम्पोर्टेंट है ये सभी चीज़ें भैया अत्यंत इम्पॉर्टेंट है ठीक है आपके प्रेजेंट टाइम के हिसाब से भी और आपके आगे आने वाले फ्यूचर के हिसाब से भी अत्यंत इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से ठीक ठीक है तो देखो सेकेंड लॉ मोशन क्या है भैया हमारा ठीक तो देखो द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाई मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी ये क्या भैया कि हम जब भी किसी को फोर्स लगाते हैं ना हम जब भी किसी को फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन पे लाते हैं तो वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं हमें कितना लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं यानी किसी बॉडी को हम कितना का इम्पैक्ट डाल रहे हैं ठीक है जिससे इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट से तो बताओ वो किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर हमारे मास पे और हमारे वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं हैं वो किस पे डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट की मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ठीक है आर उसी हेलो आर उसी हाउ आर यू ठीक है आज शाम कंप्यूटर की मेंटी होगी हाँ मे भी होगी ठीक है अभी पता चल जाएगा अभी आई कार्ड देख एक घंटे में बता दूँगा तुमको ठीक है क्लास चल रही मेरे साथ ही लगे रहो अभी ये तुमको ये भी गलती रहेगी पूरी ठीक है डिटेल शेड्यूल की क्लास की आज समझ में आ गया ना तो इमेट प्रोड्यूस दई मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी चलिए आपको डायग्राम दिखाते हैं अपने कहा डायग्राम लगाया करिए सर आपने कहा डायग्राम दिखाइए ठीक है ये देखो सेकेंड लॉ मोशन जो है ना जब हम फोर्स पढ़ते हैं तो जो जब हमको पढ़ाई जाती है ठीक है जब जो पढ़ते हैं फोर्स के अंदर वही फंडा है जो चीज हम पढ़ते हैं वही फंडा है ठीक है लॉ क्यों आ गया है तुमको दिखाता हूँ क्यों आ गया है? तुमको दिखाता हूं रुको ये देखिए ये व्यक्ति है एक ये एक व्यक्ति है ठीक है ये एक व्यक्ति है ठीक है ठेके? और ये हमारा क्या भैया है ट्रॉली है दिस ट्रॉली के ऊपर मास रखा हुआ है के ऊपर मास रखा हुआ मान लो एम मास का है मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है और नीचे भी जो है एम मास का ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर भी एम मास का है और नीचे भी एम मास का ही है ये चीज तो, तो दिख रही होगी ना आपको कि ऊपर भी एम मास का है और नीचे भी एम मास का ही है ठीक अब देखो जब ये व्यक्ति ना इस इसको धक्का दे रहा है इस डायग्राम के हेल्प से मेजर कर पाते हैं बिल्कुल जब ये व्यक्ति जो है ना इसकी जो वाल है मतलब जो ये तुम देख रहे हो सरफेस ठीक है इस, इस पर कह रहा है भैया फोर्स लगा रहा है जब व्यक्ति इस पर फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है हमारा बोलोक जो है मतलब पूरा ट्रॉली क्या है ठीक है वो मास के साथ क्या हो रहा है मूव कर रहा है क्या कर रहा है मूव कर रहा है वे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रही है इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है क्या हो रही है इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है एंड वी आर नो व्हेन स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज तो बॉडी क्या करती है भैया एक्सलरेशन करती है जब भी स्पीड में क्या हो चेंजेस आए जब भी वेलोसिटी में क्या हो चेंजेस आए तो पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है एक्सलरेट कर रहा है क्या कर रहा है एक्सलरेट कर रहा है इतनी बातें तो क्लियर हो गई इतने फंडे तो क्लियर हो गए ना इसमें तो कोई डाउट नहीं है ठीक है तो ये रही हमारी नन्नी मुन्नी से इसके बारे में बात अब देखो हमारा फंडा आता है नीचे वाले में ये तो हम जानते हैं कि जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मोशन करेगी और अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगी बॉडी एक्सलेट करेगी और हम और ज्यादा बढ़ाएंगे यानी कि हम देखो नीचे देखो मोर फोर्स अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बॉडी मोर एक्सलेशन होगा मतलब और ज्यादा एक्सलेशन होगा और स्पीड जो है ना जल्दी जल्दी बढ़ेगी स्पीड क्या होगी जल्दी जल्दी बढ़ेगी मतलब मास उतना ही है मास में कोई चेंज नहीं है पर्सन ने फिर से इसको पुश किया तो क्या हो रहा है इसकी स्पीड जो है और तेजी से इंक्रीज़ हो रही है क्या हो रही है इसकी स्पीड जो है और तेजी से इंक्रीज हो रही है अब कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्स है ना हमारा जो फोर्स है फर्स्ट लॉ मोशन ने कहा क्या देखो ये तो फार्मूला है बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं ठीक है, है? मैक्सिमम बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमारा फंडा क्या है हमारे न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के अंदर फंडा क्या है उनको एक फॉर्मूला याद रहता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू टू बस जब कोई फोर्स एस एक्टर मोशन क्या तो कहते हैं एम ए और टीचर कहता है वेरी गुड यही तो होता है ठीक है पर देखो वो होता क्या तुम तो ये समझो फॉर्मूला हमारा आया कैसे हो तो बताऊंगा मैं पर वो होता क्या तुम तो ये समझो कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा मोशन करने के लिए मास हल्का है कॉटन रखी हुई है कॉटन रखे तुम्हें कितना फोर्स धक्का बताने के लिए तुम्हें चुटकी मारे जुड़ जाएगा से खिसक जाएगा ना तो मास कम तो फोर्स कम दूसरी बात अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो बॉडी एक्सलरेट करेगी हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी उतना ज्यादा एक्सरसाइज करेगी फोर्स तो हमारा एक्सेलरेट कर रही है नॉर्मल एक्सरसाइन हो रहा है पर यहां पर ज्यादा फोर्स लगाए तो बॉडी क्या हो रही है ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रही है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गई मतलब देख रहे हो ना स्पीड इंक्रीजेस फास्टर और यहाँ पे क्या हो रही है स्पीड दिवी धीरे रुपये दस बीस पच्चीस यहाँ पे क्या हो रही है दस फिर पचास फिर सौ ठीक है हाँ एक तो रेसिंग कार बनाने वाला है इसको समझ गए ना समझ गए ना तो ये फंडा है मस ज्यादा तो फोर्स ज्यादा बिल्कुल बॉडी को मोशन कराने के लिए अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाने का अगर मास कम है तो हल्के फोर्स में काम हो जाएगा ठीक है अगर आपको किसी स्पीड बढ़ानी तो अगर वो फोर्स और ज्यादा लगाओ उसके ऊपर अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना है आपको फोर्स और ज़्यादा लगाना होगा ठीक है तो आपको ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो यही हमारा क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है यही क्या कहता है हमारा फर्स्ट सॉरी फर्स्ट फर्स्ट लॉ कह रहा हूँ यार मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है ठीक है यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है इतनी बातें क्लियर हो गई ना इतना तो फंडा क्लियर हो गया ठीक इसमें किसी को डाउट नहीं किसी को परेशानी तो नहीं बता दें एक बार ज़रा सा इसमें तो किसी को डाउट नहीं परेशानी नहीं बातें क्लियर है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता बिल्कुल 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 ठीक है पर यहाँ सेम में हाँ और अगर ट्रक की जगह साइकिल को धक्का देंगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा बिल्कुल साइकिल धक्का दोगे कहाँ फोर्स बिल्कुल कम लगाओगी अब तो ट्रक की बात करोगी तो ट्रक भारी होता है ठीक है क्लियर है बस यही फंडा सा मैं वही क्लियर हूँ आप लोग को ठीक है जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को ठीक है अब देखो जो फर्स्ट लॉ मोशन को कहते हैं ना लॉ मोमेंटम भी कहते हैं हमारा फर्स्ट सेकेंड लॉ मोशन सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ चिल्ला रहा हूँ मैं क्या सॉरी गलती गई ठीक है हमारा सेकेंड लॉ मोशन है उसको लॉ मोमेंटम भी कहते हैं अब मोमेंटम भी कहते हैं मोमेंटम देखो अब बंदा बात करेगा मोमेंटम के बारे में हम फंडा बात करेंगे मोमेंटम बारे मोमेंटम होता क्या है? दी प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी मोमेंटम बस लल्लू सी बात है यार ये लल्लू लल्लू वाली बातें हो गई यार मोमेंटम क्या होता है अवर मोमेंटम इज मू वेलोसिटी दिस आवर मोमेंटम बस इतनी सी बात है हाँ? इतनी सी बात है कि हमारा मोमेंटम क्या होता है पील टू एम वी यानी ठीक है हमारा मोमेंटम क्या होता है कि हमारा स्पीड का हमारे ऑब्जेक्ट का मास कितना है और ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वही हमारा क्या होता है मोमेंटम होता है ठीक है वही क्या होता है हमारे किसी बॉडी का मोमेंटम होता है मोमेंटम ज्यादा होगा मोमेंटम ज्यादा तो मतलब मास या वेलोसिटी भी ज्यादा हाँ बताओ बताओ इम्पैक्ट पे डिपेंड करता है उन्हीं के प्रोडक्ट का मोमेंटम कहते हैं सिंपल बिल्कुल ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट मोमेंटम होता है ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ठीक है जब मास को हमारे से बोल तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है लेट्स जूम इज डिब्बा ठीक है खाली नहीं है भरा है ठीक है एम मास का है एम मास का है चल रहे चल हाँ ठीक है तुमने इसको धक्का मारा तो इसकी स्पीड बन गई कितनी वी वेलोसिटी की कितनी बन गई वी वेलोसिटी की अभी एम मास का ऑब्जेक्ट वी वैलोसिटी चल रहा है तुमने इसको धक्का मारा अब मैं तुमसे बताऊं कि मोमेंटम कितना होगा इसका कितना मोमेंटम होगा तुम कहोगे गल्लाह जितना है इसका मास है ठीक है जितना ये मोटा है जितना इसका वजन है ठीक है जितना ये कंटेन किया मैटर अपने अंदर वही मास होता है ठीक है तो उसका तुम क्या करना जितने तेज चल रहा है ना जितनी स्पीड चल रही है उसकी वही जाके लड़ा दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो और तुमको मिल जाएगा पी इजल टू एम वी मास इन टू ठीक है तो लल्लू सी बात है। कोई ये बहुत बड़ी चीज़ है क्या क्या मोमेंटम कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या क्या एकदम रॉकेट साइंस है क्या ये हैं क्या मोमेंटम हमारा रॉकेट साइंस है क्या बहुत बड़ी बताओ जो हमारा मोमेंटम है क्या ये कोई रॉकेट साइंस है क्या नहीं ना इतना आसान बात तो है पर हमारा रॉकेट जो जाता है ना ये मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है जो रॉकेट है हमारा भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है जब हमारा रॉकेट जब उड़ता है तो इसी पे डिपेंड करता है ठीक है इसी को फॉलो करता है समझ में आया है ना तो देखो यहाँ पे फंडा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मैं अपना सब लिखा हुआ जुड़ा रख कर देता हूँ ठीक है ये देखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी मतलब बिल्कुल रॉकेट की जब प्रोपोल्सर होता है तब करता है ठीक है एकदम उसमें काम करता है ये देखो फंडा ये तुमको बताऊँ अगर मैंने फालतू तो रफ कर दिया इसको ठीक है यहाँ दिखा देता हूँ कि हमारा पी इज कॉल टू कभी कभी माउथ अच्छा चलता, चलता है कभी कभी ख़राब चलता है माउन का मन का मर्जी भैया ठीक है दुनिया मन मर्जी चलती है देखो तब भी तुमको देखो बताऊँगा तुमको वेक्टर क्वांटिटी और तुमको स्केलर क्वान्टिटी तुम कैसे पहचानोगे ठीक है मेरी बात सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना ठीक है जितना तुम्हारे चैप्टर में तुम्हारे सिलेबस में है नाइन्थ के तुमको उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ मैं ठीक है तुमको मैं उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ मेरी बात सुनो देखो मास हमारा क्या है कि हमारा बॉडी कितना मैटर कंटेंट की मेरी बात को ध्यान सुनना मजाक मत लेना ठीक है कि मास हमारा क्या है कि हमारी बॉडी कितना कंटेन की मैटर ठीक है कितना मैटर बॉडी के अंदर है वो क्या होता है मास होता है वेट हमारा अलग होता है वेट हमारा एम होता है मास इंटू ग्रेविटी कितना हो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ठीक है तुम कितना धरती के ऊपर बोझ हो ठीक है तुम कितना धरती दर्द मतलब फोर्स लगा रहे हो वही तुम क्या हो तुम्हारा वेट होगा बट तुम्हारा मास होता है वो सिंपली क्या होता है कि तुमने कितना मैटर कंटेन किया है तो मास अगर तुम नॉर्थ और डायरेक्ट समझ जाओ तुम्हारा मास चेंज होगा नहीं होगा साउथ जाओ चेंज होगा नहीं होगा तो मतलब मास तुम्हारा कंटेंट मतलब तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहेगा तुम्हारा मास क्या है हर जगह कॉन्स्टेंट है पर बट तुम्हारा वी है ना तुम्हारा वी है ये क्या है तुम्हारी वेलोसिटी है हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी हमारी क्या है वेक्टर है वेलोसिटी हमारी क्या वेक्टर है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है अब ये जो है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड क्यों करती है ये वेलोसिटी जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड क्यों करती है क्योंकि हमने पढ़ा था डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम समझे ना वेलोसिटी मारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ठीक है तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और तुमने कितना समय लगाया स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसा हमारा क्या होता है वैलिसिटी हमारी कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और हमने पहले भी पढ़ा था पहले कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होता है ठीक है ये डाक्सिन के ऊपर डिपेंड करता है अब जरा मुझको ये बताओ कि जब हमारा ये वेक्टर है और इसका ये फॉर्मूला है जब ये डिपेंड कर रहा है तो इनको ना चाहे डिपेंड करना पड़ेगा इसको ना चाहते हुए डिपेंड करना पड़ेगा अब हम वेलोसिटी से हम लोग लो निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी में निकालते हैं एक्सलरेशन अब जब वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है बात करें अगर ठीक है करते हैं भाई समझे तो क्या करेंगे हमको जब निकालते वेलोसिटी करेंटी भी हमको को वेलोसिटी भी समझना पड़ेगा हम जान रहे हैं कि वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे वेक्टर पे अब जो वेक्टर पे डिपेंड कर वही है है वेक्टर हो गया जिस पे डिपेंड कर रहा है वही वेक्टर हो गया एक्सलेशन हो गया और यहाँ वेलोसिटी आई हमारा क्या हो गया वेक्टर ये भी हो गया ये भी क्या हो गया हमारा एक वेक्टर हो गया तुम तो वेक्टर को समझ सकते हो ठीक है तुम वेक्टर को समझ सकते हो हमारा मास यहाँ पर नहीं है बाकी हमारा वेलोसिटी वेक्टर है और मोमेंटम हमारा वेक्टर

एक है तो दूसरे को भी बना बना देता है बिल्कुल ठीक है एक है तो दूसरे को भी बना देता सत्संगति का असर सत्संगति का असर होता है सर डिनोटेड बाई पी हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं किससे पी से करते हैं हम मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं पी से करते हैं ठीक है इसके साइंड क्या होती है के जी मीटर पर सेकेंड अब देखो तुमको यूनिट निकालनी कैसे होती है मेरी बात ये भी जान लो आज यूनिट निकाली कैसे जाती है तुमको पता है कि मास क्यूट कितनी होती है हमारी यहाँ लिखता हूँ अच्छा और आगे कुछ है कि नहीं है, है चलो आगे लिखा हुआ है फालतू तो लिख रहा हूँ देखो ये देखो हम जानते हैं कि हमारी मास की यूनिट कितनी होती है हमारी केजी होती है और वेलोसिटी हमारी क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है ठीक है तो जब भी तुमको किसी की यूनिट तुमको याद ना हो और तुमको उसकी यूनिट फाइंड करनी हो गुड आफ्टरनून गरिमा रहा है गुड आफ्टरनून हाँ हाँ बस राहिल धीमे धीमे ठीक है जैसे जैसे बीतता है किताबों के साथ ठीक है ये गजब पर अपने आप आने लगता है तो वही तुम लोग से कहता हूँ यार मेहनत करो ठीक मेरी नाइन्थ वीक थी मुझे बहुत पता है मेरी नाइन्थ वीक थी मेरा इलेवंथ वीक है उतना नहीं है अब भगवान दया थोड़ा बहुत ठीक हो गया है अब ठीक है थोड़ा दौड़ ठीक हो जाएगा पढ़ मेरी इलेवंथ बहुत वीक थी मेरी नाइन्थ बहुत वीक थी मैं नाइन्थ मंथ से पढ़ा ही नहीं था मैं नाइन्थ पढ़ना शुरू किया था जनवरी में सोचो मेरा एग्ज़ाम मार्च में था मैं जनवरी से पढ़ना शुरू किया था समझे दिमाग जब खुला ना जब क्लास टेंथ पहुंचे और वहां पे जब सवाल लगवाए जाए तो बोला जा रहा है तुम जानते हो कि नाइन्थ पढ़े होगा तुम लोग तुम जानते हो तुम नाइन्थ पढ़े हो गए ये टॉपिक सर से कैंसर नहीं पढ़े थे सर कहेगी बहुत सही अब भी ना पढ़ो टेंथ भी छोड़ दो ठीक है तो देखो इलेवेंथ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं लंच नाइन्थ में ध्यान नहीं देते हैं बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग वो गलती ना करो तुम लोग का जो चार साल है ना जो चार साल की पढ़ाई होती है नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक ये तुम्हारे आगे आने वाले सालों के लिए बहुत ही मोस्ट क्रिशुअल टाइम होता समझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है अगर तुमने इसको बर्बाद कर दिया ना फालतू कामों में फिर तुम बर्बाद हो जो बात कड़वी है पर सच्चाई है इलेवेंथ और नाइन्थ और इलेवन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और टेंथ हमारा ट्वेल्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा भी नाइन्थ बेकार हो गया पूरा अरे तुम्हारा नाइन्थ बेकार कैसे हो गया नाइन्थ मैं छोड़ के सब अच्छा है <laughs> ना भैया राहिल मेरा नाइन्थ इतना ख़राब नहीं था ठीक है कि मेरी गलती सीखो तुम ठीक है नाइन्थ परसेंटेज अच्छे आते थे नाइन्थ मेरे परसेंटेज थे एट्टी नाइन अप्रोक्स थे एट्टी नाइन परसेंट अप्रोक्स थे नाइन्थ में नाइन्थ में एट्टी नाइन अप्रोक्स थे शायद हाँ ऐसे कुछ थे ठीक है मैं अरे मैं पढ़ता था यार मतलब इस तरह से मुझे कोई पढ़ाया नहीं तुम लोग को पढ़ाया जाता है जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं मुझे इस तरह से कोई मिला नहीं पढ़ाने वाला उस वक्त ठीक ठीक है गलती नहीं की थी मेरे पढ़ने में अच्छा था भाई पढ़ता था मैं ऐसा ना कहो ठीक है चलो आगे चलते हैं हमारे प्रेशर हमारा कितना हमारा आ गया मास इंटू वैलो सिटी ये हमारा फंडा था किसका मोमेंटम का था अब मोमेंटम तुम जिंदगी में ना भूलोगे ठीक है और भूलना चाहोगे तो तुमको मैं डायग्राम दिखाता हूँ और ये डायग्राम देखने का तुम लोग कहोगे मैथ क्लास भी चाहिए सर बिल्कुल तुमको मैथ क्लास मिलेगी तुम्हारा मैथ दुआ कंप्लीट करेंगे तुम्हारे मैथ उनका जैसे सवाल करवाएंगे तुमको ऐसे तरीका बताएंगे सवाल सॉल्व करने का तुम कहोगे अरे हमसे ना हो पाएगा हम सोचते थे पहले हैं फिर कहो अपना टाइम आएगा ठीक है तुम्हारा एकदम आएगा टाइम भाई परेशान ना हो तुम्हारी क्लास नाइन का एक चैप्टर ना बखेंगे ठीक है ये साइंस स्ट्रीम का क्योंकि आगे चलेगा तुमको साइंस स्ट्रीम है तुम्हें साथ देगा जो बच्चे साइंस को लेकर पढ़ेंगे और जब बच्चे आर साइड लेके पढ़ेंगे फिर लोग एच एस टी वैधि फोकस करें ठीक है तुम्हारा इतना बेकार कैसे यार यहाँ पढ़ते हो तभी बेकार है, है वेर मास हमारा क्या वेर एम हमारा क्या भैया मास हमारा क्या? मास व ऑब्जेक्ट की वैलिसिटी इतना है ठीक है पढ़े तो हम भी हैं फिर बेकार क्यों होता है हाँ स्टार्ट करवाएंगे बिल्कुल ठीक है पहले साइंस कंप्लीट हो जाए ठीक घा ना बनाओ ठीक <laughs> है देखो जब भी तुम खाना खाने बैठते हो तो खाना खाने के दो तरीके होते हैं ठीक है जब खाना खाने बैठते हो तो खाने हम एक प्लेट रहती है ठीक है उसमें तीन चार खाने होते हैं ठीक है तीन चार ब्लॉक्स होते हैं सबके अंदर अलग चीज़ें रखी हो ठीक है कि सब्जी रखी है किसी में रोटी है किसी में दाल है ठीक है और आपको साथ में मिलता है एक स्वीट डिश आपको मिलता है साथ में एक स्वीट डिश स्वीट डिश ठीक है मिलता है ना डिज़ल्ट में तो देखो तुम पूरा खाना खाली तुम्हारा पेट भर गया ठीक है बट जब तुम आखिरी में डिज़ल्ट खाते हो ना तुम्हारे मतलब हमारे खाने को चार चांद लगाता है मतलब एक आखिरी का टचअप होता है अच्छा जब मकान बनता है घर बनता है ठीक है तो पूरा घर बन गया पर जब घर में प्लास्टर हो गया उसकी पेंटिंग हो जाती है ठीक है उसको आखिरी में टचअ दे दिया जाता है ठीक है लाइटिंग वगैरह हो जाती है तो घर की रौनक अलग बढ़ जाती है ठीक है तो देखो उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं मैथ के अंदर तुमको पूरा मैं एकदम न्यूज से पढ़ाऊँ ठीक है पर मैं तुमको इस तरह से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर तुमको फरवरी के मंथ बता रहा हूँ मैं जनवरी भूल जाओ तुमको फरवरी से मैथ तुम्हारी स्टार्ट होगी मे बी फरवरी या जनवरी के लास्ट ठीक है अच्छा सत्ताईस आएगा कोई बात नहीं यार ट्वेंटी सेवन पहुँचे ना कोई बात नहीं ठीक है तो टेंथ के लिए परेशान मत होना टेंथ के लिए परेशान मत होना टेंथ तुम्हारा एकदम झकास रहेगा टेंथ तुम्हारा एकदम झकास रहेगा ठीक है।, है तो टेंथ के लिए परेशान नहीं होना देखो समझ में आ गया ना तो ये क्या तुम्हारा मोमेंटम होता है तो हर चीज़ को एकदम आराम आराम से खाओ हल्का हल्का ठीक है वो डिज़ल्ट को छोड़ दो पहले तुम ये पूरा जो मेन चीज़ है ना उसको खा लो रिजल्ट परेशान ना हो रिज़ल्ट तुम्हारा हम ऐसा बना देंगे कि तुम खाते चले जाओ पर चलेगा ही नहीं तीन आवर तीन आवर नहीं था डेढ़ घंटा था पागल अगर <laughs> डेढ़ घंटा था ठीक है द मोमेंटम ऑफ पा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अब स्टेशनरी मतलब क्या होता है जो रुका हुआ स्टेशनरी मतलब क्या होता है रुका हुआ ठीक है साइंस के लैंग्वेज समझो ठीक है ये इंग्लिश की लैंग्वेज भी है ठीक है इंग्लिश ही है भैया साइंस ना है माफ कर दो ठीक है ऑफ मिनटा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है हमारा स्टेशनरी क्या होता है रुका हुआ स्टेशनरी मतलब रुका हुआ ठीक है दुकान नहीं

कि मास ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है एम है। मानना कि क्या मान ली ठीक है आपने कहा मान ली चलो अगला बात लड़ दी वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी वे अच्छा वेलोसिटी को मान लो और हमने पहले पढ़ा है मास हमारा इनटू वेलोसिटी इज टू मोमेंटम होता है तो यानी कि तुम भी वही बकवास करने यहाँ पे आए हो तो तुम भी बता रहे हो हमको कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मास को एम मान लो और जब वेलोसिटी है उसके ऑब्जेक्ट को वी मान लो हम फिर मान लेंगे लो मान लिए क्या कर लोगे तुम मान लिए तुम हैं बोलेगा दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज नो वेलोसिटी अब ये तो गलती बात है ये तो गलत बात है ठीक है ऐसा धोखा धड़ी करने का सोचा ना था इसने धोखा दे दिया कोमल सिंह है फर्स्ट क्लास ओके कोमल अच्छा सब मिला करके उस दिन तीन क्लास थी बिल्कुल तो फायदा मिला कि नहीं मिला उस चीज का उस चीज का फायदा मिला कि नहीं मिला मिला ना फायदा मिला होगा ठीक है, ऑब्जेक्ट नो वेलोसिटी। हम जानते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं होती है तो भाई पर रहेगा। अगर बॉडी बॉडी के पास स्पीड है, है, मोशन में कौन कहेगा पे? हैं? समझे <laughs> तो फिर वही फंडा है ना अब देखो हमको बताया है, मास एम है, और है, फिर कह रहा है, जीरो है। कितना हो जाएगा जाएगा जीरो ये जो लल्लू लल्लू सी बातें लगती है ना जैसे वाट इज वन वाट इज वन आर ठीक है या वाट uh, इज तो वन गुलाम या वाट इज मतलब जो चीजें होती हैं या लल्ली पुली चीजें होती हैं ये सब चीजें भैया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं अच्छा <laughs> कुछ चाहने वाले आते हैं ठीक है अच्छा मैंने देखा है ठीक है ये दुनिया में दुनिया में इतनी बात ध्यान रख बच्चों ठीक है कि दुनिया में आपको राह दिखाने वाले बहुत मिलेंगे आपको राह दिखाने वाले बहुत मिलेंगे पर आपकी उंगली पकड़ करके आपको उस मंजिल पहुंचाने वाला कोई नहीं मिलेगा ठीक है और उस राह दिखाने वालों में भी बहुत कम आपको सही राह दिखाने वाले मिलेंगे ठीक तो दुनिया में बच कर रहो ठीक है दुनिया में बच कर रहो अपनी अंतर आत्मा की बात सुनो अपने घर वालों की बात सुनो सबको सुनने के बाद एक निर्णय पर पहुँचो उसके बाद उसी के ऊपर काम करो ठीक है और जो फालतू काम हो रहे हैं आजकल उन कामों से बच कर रही ठीक है थीके? क्योंकि आपको जो चार साल मिले हैं ये ना मिलेंगे दोबारा ठीक तो है जैसे लोग कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो इतना तो तो ब्या ध्यान रखना भैया कि जो आपको चार साल मिले हैं ना इस चार सालों किसी और काम में मत डालो इस चार साल को पढ़ाई में करो ठीक है उसके बाद कॉलेज है कॉलेज में जाओ वहाँ पढ़ाई लिखाई करो भैया तुम कॉलेज से निकल गए सेटल हो जाओ कहीं ठीक है अपना बिजनेस खोल लो जो बच्चे बिजनेस में है इनके पास दिमाग है ठीक उनके पास और दिमाग हो वही नौकरी वगैरह कर लो प्लेसमेंट पा लो समझे तो इन चार पास नाइन से लेकर तो पास तक का है ना इसको बर्बाद मत करो इसको बर्बाद मत करो एक साल निकल गया बचे तीन साल ये बचे हैं तीन साल तो तीन साल को बर्बाद और ना करो ठीक अच्छा देखो यहाँ चाहने वाले आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं चाहने वाले आते हैं और काम करके चले जाते हैं बड़े ही बड़े ही प्रिय लोग हैं वो सब जो आते हैं आपने देखा होगा आज भी ठीक है आपने देखा होगा वीडियो के अंदर अभी ठीक है कि आए हैं कुछ लोग चाहने वाले उन्होंने अपना कार्य किया चले गए उन लोगों को ना कोई मतलब नहीं होता उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि आखिर अंदर चल क्या रहा है भाई तो मुझसे आगे पूछ लो भैया क्या चल रहा तो कहेंगे कोई चल रहा था पर मैं अपना काम करके चला ठीक है उन्हें तो कोई मतलब नहीं होता ठीक हाँ हाँ घिस दो ठीक है नहीं समझ पाओगे ठीक है मुंह खोल के नहीं बोलूंगा मैं जान दो ठीक है ये कहता हूँ मिनटा ऑफ स्टेशनरी का ऑब्जेक्ट है बहुत चाहने वाले होते हैं ठीक है बहुत चाहने वाले आते हैं हमारे नहीं हर जगह आते हैं ठीक है जितना बड़ा होता है उतना तो वहां पर उतना चाहने वाले हो जाते हैं ठीक है समझ आ गया ना तो पचलटाइल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है हमारे जीरो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मुझसे पूछ ले कि बताओ ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है इसका मास है पचास किलो देर मास इज फिफ्टी के जी इसका मुझे तो बताओ कि इसका कितना मतलब कितनी है अंडा मी जीरो हीरो। अरे चाहने वाले ये तो आपके फैंस है सर मेरा कोई फैन नहीं ठीक है टीचरों के फैन कहाँ होते हैं देख हम लोग तो कूलर हुआ करते हैं देखो ठीक है क्वांटम ऑफ स्टेशन इज ऑब्जेक्ट इज जीरो समझ में आ गया ना तो ये फंडा वो क्लियर होना चाहिए आगे बढ़ते हैं वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस फोर्स ऑन टू इट वी नो दैट

ये हमारा महा से एम ब्लॉक का ठीक है block, ये हरी हमारा एम ब्लॉक हमारे एम मास भैया एक ब्लॉक है ठीक है ये डिब्बा है है बॉक्स ठीक गद्दा कह लो जो मर्जी कह लो कहना कह लो ठीक है एक फोर्स इधर, इधर से लगाना है अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हुए अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हुए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर डालेंगे ये दूसरे दूसरे को भैया कैंसिल आउट कर डालेंगे बट

ठीक है मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं। हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं कोमल सिंह कराएंगे मेंटी थोड़ा सा ठीक है सब्र करो समझे यानी जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मोशन में आती है नो डाउट बट बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो जाता है पर बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो जाता है इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं मुझे बताया फटाफट ठीक है देखो आज कुछ अधिक चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं है हम आज पूरा फोकस करेंगे मोमेंटम के ऊपर बफरिंग बफरिंग ना हो रहा भैया नेट चेक करिए अपना ठीक है बफरिंग तो नहीं है मेरे ख्याल से एकदम तो यहाँ तो पर नेट तगड़ा दिखा रहा है एक्सीलेंट दिखा रहा है खेरा साहब तो आज वेरी गुड पढ़ाते रहो ठीक है इतनी बातें क्लियर हो गई ना सभी लोग तो चैट में लिख दो भैया मेरे में बहुत बफरिंग हो रही है मेरी तुम्हारा नेट स्लो हो ठीक है आपका नेट स्लो है क्या अरे तुम तो उसको उस पे कर लो यार टू uh, फोर्टी पे कर लो तुम इसको टू फोर्टी पे कर लो ठीक है टू फोर्टी पे कर लो आपको सब लिखा हुआ दिखाई देगा परेशान ना हो ठीक है टू फोर्टी पे कर लो आगे बढ़ते है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑफ द ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द और ये जान लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनइक्वल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मोशन करती है और जब बॉडी मोशन करती है तो भैया वेलोसिटी गेन करती है और वेलोसिटी के पास जब तो बॉडी गेन कर रही है तो बॉडी के पास कुछ ना कुछ तो बॉडी को दुनिया में रहने के लिए उसके पास मास होना चाहिए कम अधिक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जब बॉडी के पास मास है जब बॉडी वेलोसिटी को अटेन कर ले रही है कोई ना कोई ठीक है इसका मतलब कि भैया समझ लो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके पास एक मोमेंटम है जब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तुम तो ये समझ सकते हैं हमारा अनबैलेंस फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया हमारा फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया ना समझ में आ गया ना अभी क्या क्या चीजें हैं अभी क्या क्या चीजें हैं मैं बताता हूँ आगे देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है ठीक है एक क्रिकेटर है वो क्या कर रहा है बॉल को मतलब बॉल एंड इन द बैकवर्ड खींच का मतलब अच्छा ठीक है इतनी इंग्लिस सहा नहीं जाता ठीक है ये इंग्लिस का दर्द बहुत अच्छा है ठीक है देखो एक क्रिकेटर है ये देखो ये एक क्रिकेटर है ये एक क्रिकेटर है इस बॉडी इस जो बॉल है ये जो बॉल है इसके पास कुछ ना कुछ मास है है कि नहीं इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास M है ठीक है ये बॉडी कुछ ना कुछ बड़े छोटे गेंद की है मतलब बॉडी के जो हमारी बॉल है इसके पास कुछ ना कुछ इसके पास मोमेंटम है कुछ ना कुछ, कुछ मोमेंटम है कुछ ना कुछ मोमेंटम है जब ये बॉल इसके हाथ में आएगी ठीक है तो ये क्या करेंगे वहाँ से अपने हाथ को ऐसे ये देखो एकदम ठीक है शक्तिमान बन जाएंगे मतलब अपने हाथ को धीमे धीमे लाएंगे ठीक है ये बता रहा है पॉइजन इसकी धीमी धीमे करके क्या होंगे तुम धीमी इसको नीचे लाएंगे तो धीमे धीमे इसको नीचे लाएंगे ना तब बॉल को ऐसे हाथ इंसान नीचे क्यों लाता है जब भी तुम तो क्रिकेटर देखोगे कि जब भी वो बॉल ऊपर से आती रहती है तो कैच कैसे करते अपने हाथ को इसे नीचे ला करके ऐसे जाकर एकदम बैठ जाते हैं ठीक है फिर चिल्लाते ओ माई गॉड ठीक है एम्पायर उंगली उठा देता है गया विकेट ठीक ओहो ये तो एन बुक से लिया गया है एन सी आर टी बुक ऑफ फिगर है आई डोंट नो मैं तो एनसीआरटी से नहीं लिया हूं लेकिन भाई ठीक मैंने एनसीआरटी से नहीं उठाया भाई ठीक एनसीआरटी का होगा पर मैंने एनसीआरटी से नहीं लिया है समझे तो बात समझो मेरी तो यहाँ फंडा क्या हो रहा है तुमको यहां पता चलेगा जब क्रिकेटर अपनी बॉब भैया क्या करता है अपने जब भी बॉल को कैच करता है तो क्या करता है अपने हाथों को पीछे की ओर हिंसता है क्या करता है अपने हाथों को पीछे की ओर हिंसता है क्यों क्यों क्योंकि बॉल समझे अपनी बॉल की वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए क्योंकि द एक्शन ऑफ द बॉल डिक्रीज द फोर्स एक्सल्टेड ऑन कैचिंग जब यह तुम बॉल को कैच करोगे ना तुम्हारे फोर्स क्या होगा डिक्रीज होगा पहली बात तुम्हारा मतलब फोर्स लगने से तुम्हारा क्या होगा बॉल जो धीमे धीमे कम होने लगेगा बॉडी जो है ट्रडेशन करने लगेगी ठीक है तो मूविंग बॉल ऑल्सो डिक्रीज द दा, हाँ, फोर्स दा जो फोर्स लगा हुआ है ठीक है वो क्या होगा डिक्रीज होगा द वुड ट्राई टू स्टॉप मूविंग बॉल ही वुड टू हैव द अप्लाई लार्ज अच्छा मेरी बात समझ यहाँ पे क्या हो रहा है गौरास हेलो आई एम लेट डोंट वरी यू आर लेट ठीक है डोंट वरी इफ यू आर लेट ज्वाइन द क्लास नाउ ठीक जब ये बॉल को पर्सन पकड़ेगा जब ये बॉल को पर्सन पकड़ेगा तो अपने हाथ पे चोट कम लगे अपने हाथ पर चोट कम लगे दर्द कम हो इसको फोर्स कम लगाना पड़े तो क्या करेगा अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाएगा एज यू सी इन दिस फिगर ठीक है जब आपने बॉल को पीछे ले जाए तो क्या होगी इसकी कुछ ना कुछ बाई एक्सेसन थी काफ़ी तेजी बॉल आ रही थी इसको ले जाएगा तो क्या करेगा कि इसके साथ मोशन करेगा ये क्या करेगा भैया बॉल को लेकर के ये बॉल को भी मोशन करा रहा है ये बॉल को अभी भी क्या कर रहा है मोशन में ही लिखा हुआ है क्या कर रहा है धीमे धीमे कम कर रहा है ये क्या कर रहा है धीमे धीमे कम कर रहा है मतलब उसकी मोमेंटम कम कर रहा है उसकी वेलोसिटी घटा रहा है मतलब उसकी एक्सरसाइन घटा रहा है ठीक है इसलिए करते हैं भैया हम लोग बॉल को धीमे 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 करते हैं हम लोग उसको कैच करते हैं ठीक है हम लोग उसको सीधे से लाते हैं और सडनली देखा हो कभी कभी क्या होता है बॉल तीज से आती है लोग फसल सामने लोग तुरंत रोक लेते हैं तो क्या होता है कि हाथ में चोट पौती लग जाती है और कभी कभी उनके हाथ में इंजरी भी हो जाती है ठीक है और कभी कभी नहीं भी होती है ठीक अगर हमको बॉल को सडनली रोकना अचानक तुरंत रोकना है तो क्या करना होगा हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कभी मह जाते हम कन फोर्स लगाएं क्योंकि इस फोर्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इसके ऊपर बॉल के ऊपर ठीक है बहुत ऊपर से नीचे आ रही है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है मास तो है ही थोड़ा बहुत ठीक है में आ गया ना उसको रोकने के लिए अपने हाथ में इंजरी कम करने के लिए क्या करता है ये स्लोली 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 बॉल को यहाँ पे होल्ड कर लेता है और फिर चिल्लाता है क्या है। <laughs> देख रहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब इसके डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर तुम किसी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की मतलब फोर्स लगा रहे हो आउट है हाँ समझे क्रिएटर ऐसे ही करते देखो तुम्हारे क्रिएटर कितने पढ़े लिखे होते हैं कितने क्रिकेटर होते कितने हैं हैं पढ़े लिखे होते हैं। वो सब जानते हैं कि मोमेंटम है समझे यानी कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम जो है हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो भैया हमारे फोर्स के यानी कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स ठीक है अनबैलेंस फोर्स मतलब जो मूव करवाने के लग रही है तो अनबैलेंस ही होनी चाहिए ना यार फिर वही बात यानी कि चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इज वी माइनस यू अपी वी माइनस यू अपी ई टी कैंसिल हो गया तुम्हारा क्या हो गया भैया प्रोपोर्शनल टू एम ए क्या हो गया एम ए ये क्या फंडा लिखा है जस्ट आप देखें समझो यहाँ मेरा क्या है यहाँ भैया हमारे देखो यहाँ पे बनते क्या हो रहा है यहाँ बताया जा रहा है हमको कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भैया हमारे फोर्स के है, है कि नहीं सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा है ना हाँ इतनी बातें क्लियर हो रही है ना डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज हाँ बिल्कुल जो डेल्टा होता है ये बताता है कि चेंज डेल्टा बताता है हमको चेंज ठीक है और इसमें ये देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन ठीक है बन नहीं पाया ऐसे बनता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन ठीक है तो हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल इसे हम तो लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल अगर कोई चीज इनिवर्सरी प्रोपोर्शनल मतलब कि वो बढ़ेगी तो ये घटेगी तो, तो कोई चीज डायरेक्टली प्रपोसनल का मतलब क्या होगा कि वो बढ़ेगी तो वही बढ़ेगी और घटेगी तो बढ़ेगी ठीक मतलब घटेगी तो भी घटेगी समझे अब वो साथ साथ चलते हैं ठीक है इसी ऊपर निर्भर करते हैं संज में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया इतनी बातें आपको ये बात संज में आ रही कि नहीं आ रही है संज में कि नहीं आया हम देखो हम जानते हैं फोर्स हमारा क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन एम में होता है और ए हमारा क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी हमारा मास इनटू वी माइनस यू अ

Sun में आएगी नहीं बात आपको समझ में आएगी नहीं आए भैया आपको हा फॉर वन यूनिट फोर्स एक यूनिट फोर्स के लिए एक के जी मास का जब एक्सलेसन क्या हो वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो वैल्यू आपके कितनी होगी एम वन होगी तो हमको फॉर्मूला क्या मिल जाता है फोर्स टू मास इनटू टू एक्सलेशन मिल जाता है क्या मिल जाता हमको फोर्स फोर्सल टू मास इन टू एक्सलेन हमको मिल जाता है तुम्हारा तो फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है तो फोर्स हमारा क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है तुम तो समझ सकते हो यहाँ से ठीक है हम एक यूनिट का फोर्स लगाएंगे मतलब हम वन न्यूटन फोर्स लगाएंगे वन के जी ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट जो है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ेगी तो हमारा के की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस जगह पर वन हो जाएगी तुम्हारा तो के क्या भैया हर चीज के लिए कांस्टेंट है हमारा के क्या है सुनना मेरी बात हमारा के क्या है के हमारा कांस्टेंट है मतलब के इसके लिए भी उतना ही रहेगा और आगे आने वाले वैल्यूज के लिए भी उतना ही रहेगा तो हमने वन वन धर के हमने निकाल ली के की वैल्यू इसकल टू वन तो हम क्या करेंगे हर जगह के की वैल्यू वन रखेंगे और वन किसी मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता यानी हम क्या करेंगे केक को भगा देंगे कहीं जब ठीक है तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा फोर्सल टू माथ इन टू एक्सल रेशन वहाँ फिर आ करके ए हाँ मास बिल्कुल 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 ठीक है तो घुमा फिराकर मास लिख सकते हैं और उनको मास निकालना हमको फोर्स और पता है भी कर सकते हैं कि एक्सलेक्ल टू माँ बिल्कुल बिल्कुल घुमा करके हम इसको लिख सकते हैं ठीक है तो हमें क्या मिल गया हमने प्रूविंग कर ली किसकी कि हमारा फर्स्ट लॉ मोशन अरे यार फर्स्ट लॉ मोशन भी कह रहा हूँ सेकेंड लॉफ मोशन हमारा कैसे आता है ठीक है फोर्स मास फोर्थलेशन हमारा कैसे आया ठीक यानी फोर्स हमारा क्या मास इंटू एक्सप्रेशन है और यूनिट क्या हमारी के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन भी कहते हैं के जी को कह रहे क्योंकि मास यूनिट हमारी कितनी होती है के जी होती है और ए की हमारी यूनिट हमारी कितनी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है क्या मिल गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू यानी कि कितनी आ गई के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन समझ में आ गई इतनी बातें चलिए आगे बढ़ते हैं द थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है हमने सेकेंड लॉ मोशन के बारे में डिस्कस कर ली, ठीक है अभी फंडा क्लियर नहीं हुआ अभी मोमेंटम ने साथ है, ना छोड़ा ठीक है अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं मोमेंटम है इसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ ठीक है action, reaction, जैसी करनी वैसी भरनी समझे जो जैसी करनी वैसी भरनी है ये न्यूटन भैया की कहावत समझ लो तुम ठीक जैसी करनी वैसी भरनी ये हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ मोशन के अंदर ठीक है जैसा करोगे वैसा ही तुम पाओगे यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ ठीक है इसे हम लोग क्या कहते हैं एक्शन एंड और रिएक्शन और कहते हैं मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स लगती है समझ में आएगा ना हाँ, वो हो ईट का जवाब पत्थर से ला हाँ हाँ बिल्कुल ईट का जवाब पत्थर से नहीं नहीं ईट का जवाब पत्थर से नहीं होता ईट का जवाब ईट से ही मिलेगा पत्थर का जवाब पत्थर से मिलेगा ठीक है जितना करोगे उतना ही पाओगे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वेरी गुड टू फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन आर कार्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जब भी दो फोर्स क्या हो रहे हो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे मतलब एक फोर्स लगेगा इधर से तो अगला फोर्स लगेगा दीवार है इधर से और दोनों फोर्स कैसे होंगे इक्वल होंगे तुम्हारे क्या एक्शन एंड रिएक्शन जो तुम लगा रहे हो वो क्या है तुम्हारा एक्शन है और तुम्हारे ऊपर अगल आदमी लगा रहा है वो क्या है तुम्हारा रिएक्शन उसका आदमी का रिएक्शन है जब तुम किसी आदमी को थप्पड़ मारोगे खींच के तो तुमने किया गया कि तुमने सबके सामने दिखाया एक्शन पर जब आदमी वो तुमको दो थप्पड़ मारेगा या तुमको एक थप्पड़ ही मारेगा ठीक है अगर हिसाब का पक्का होगा मैथ पड़ा होगा फिर तुमको वो एक ही थप्पड़ मारेगा ठीक है जब तुमको एक थप्पड़ मारेगा उसने तो क्या किया उसने अपना रिएक्शन दिखाया ठीक है यानी जब तुम किसी के ऊपर एक्शन दिखाओगे बॉडी रिएक्शन दिखाएगी ये प्राकृति का नियम है क्योंकि मोशन है बचपन में में क्या करते थे yeah. समझ आ गया ना क्या है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स फॉर एग्जाम्पल अ बॉल वेन हिट द ग्राउंड एक्शन बाउंस बैक फोर्स रिएक्शन जब तुम बॉल को नीचे जमीन पर गिराते हो तुम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हो तुम बॉल को नीचे गिराते हो तो बॉल के जंप करके बॉल जाकर टकरा करके क्या होती है दोबारा आ जाती है कहाँ पर कहां पर कहां पर हां? तुम्हारे हाथों में मतलब तुम जब बॉल को नीचे ऊपर फेंक कर मतलब तुम बॉल को कर रहे हो भैया तुम नीचे जमीन पर मार रहे हो जमीन क्या कहेगी ना तुमने मुझको मारा है रखा तुमने मुझको है क्या समझा मुझको फेंकू मे रुको भी वो कहती तो, तो बॉल को दोबारा फोर्स लगा दी और बॉल करती दोबारा ऊपर की ओर चली जाती मतलब जब तुमने अपना एक्शन दिखाया तो मैं क्या हुआ उसने रिएक्शन दिखा दिया झाबड़ मार के झाबड़ पाते हैं बिल्कुल ठीक है मतलब जब भी तुम किसी को फोर्स लगाओगे किसी बॉडी के ऊपर तो बॉडी भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही होगी वो डिपेंड करता है कि मास कैसा उसका वैरी करता है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट डैट When ऑब्जेक्ट एक्सल्ट ऑफ फोर्स ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली इंस्टेंटली एक्सल्ट ऑफ फोर्स बैक इन टू द बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिस फोर्सेजेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन दिस फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज समझ में आया कि नहीं आया कहने मतलब क्या भैया कि जब भी तुम किसी तुम्हारा वाल है दीवार है ठीक है जब तुम दीवार के ऊपर फोर्स लगाओगे दीवार क्या करेगी वो भी तुम्हारे तरफ उतने ही क्या करेगी उसी मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगी ठीक है पर क्या हो दोनों का अपोजिट होगा तुम देखो इधर जा रहे हो वो तुम्हारी फोर्स इधर आ रही है ठीक है जैसे क्या होगी तुम्हारी इधर आ रही है तुम्हारी क्या हो रही है यहाँ पर हिल नहीं रही है ठीक है अगर इधर से दीवार फोर्स ना लगाए तुम ही मारो तो क्या होगी हिल जाएगी पर दीवार टूटती कैसी है तुम उसके जो दीवार तुम्हारा जो फोर्स लगा रही है जो रिएक्शन लगा रही है तुमसे ज़्यादा लगा रहे हो समझे

मेरी बात सुनो रहा जब तुम टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे ना जो सम्पू स्टार जो लोगों मतलब बना हुआ है ठीक है तुम तो जब क्लिक करोगे तो तुमको दिखेगा चैट का ऑप्शन तुमको दिखेगा चैट का लोगो बना होगा या तुमको तुम तो चैट लिखा भी दिख जाएगा ठीक है वहाँ पर जाओगे तब देखोगे तुमको दिख जाएगा तो फिर तुम उस पर जब क्लिक करोगे तो तुम खुल के सीधे चले जाओगे इसमें भैया हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लास नाइन्थ वाले में ठीक है तो उस पर क्लिक करोगे तुम आगे जुड़ जाओगे हमारे किस पर टेलीग्राम ग्रुप क्लास नाइन्थ वाले पे ठीक है तो डिस्कशन वाला ग्रुप जो है हमारे शंभु जो चैनल जुड़ा हुआ है ठीक तुमको डिस्कशन करना हो तो वहाँ पे आ सकते हो और तुमको सिर्फ बने रहना है तो वहाँ पे आ सकते हो ठीक है मैं दोनों ग्रुप है वहाँ पर हम चले भी इस वजह से पता है समझ में आ गया ना चलो आगे बढ़ते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट आर सेम बट द देश मे और मे बी मे और मे नॉट बी सेम इन बिकॉज द ऑब्जेक्ट कैन डिफर इन मास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा बट उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है उनका एक्सेलरेशन जो है डिफरेंट हो सकता है ठीक है हो सकता है और नहीं भी हो सकता है क्यों क्योंकि दोनों का मास जो है डिफरेंट हो सकता है जब तुम बंदूक चलाते हो गोली चलाते हो बंदूक 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 देखा है ना गन गन देखा है ना जब तुम गन को फायर करते हो जब तुम गन को फायर करते हो तुम देखा हो तुम्हारे गन में जो गोली पड़ी रहती है ठीक है जो बुलेट्स होती हैं बुलेट का मास क्या होता है बहुत कम होता है मैंने अपेक्षा हमारे गन की ठीक है बुलेट का मास क्या होता है बहुत स्लो कम होता है ठीक है लाइटर होता है ठीक है इन कंपेयर टू गन मास ठीक है हमारे गन का मास क्या तो बहुत ज़्यादा होता है वेट बहुत ज़्यादा होता है कर लिए ज्वाइन हेलो भी लिख दिया वेरी गुड हाँ अभी अभी मेरे जाए ठीक है गौर हेल्ह गौराम जो इंद्र ग्रो ठीक है चलो चलो वेरी गुड गौरान ठीक है वेरी गुड जुड़ गए तुम भी मज़ा आएगा ठीक है समझ में आ गया ना तो हमको ये फंडा क्लियर हो गया ठीक है कि जब हम गोली चलाते तो क्या होता है हमारी गन क्यों नहीं जाती है देखो तो जो हमारी जो बुलेट है और हमारी जो, जो गन है ये गन जो है उसके ऊपर एक्शन डालती है तो ये करती है रिएक्शन करती है बुलेट पर देखो हमारी जो बुलेट का मास है कम है ठीक है तो मास कम है तो उसके लिए जो फोर्स लग रहा है बहुत ज़्यादा है तो क्या होती है गन को छोड़ के कि निकल जाती है बहुत तेज़ी से और हमारी गन क्या है हल्का से पीछे होती है जब तुम मारोगे गोली ठीक है अब तुम बुलेट फायर करते हो ठीक है अब मजाक मत करना या तुम बुलेट को फायर करते हो तो क्या होती है हल्के से पीछे चली जाती है तुम्हारा हाथ के हल्का पीछे जाता है क्यों जाता है क्योंकि तुम जब फायर कर रहे हो ना तो एक्शन रिएक्शन लॉ वहाँ पर लग रहा है न्यूटन का ठल्ड लॉ वहाँ पर लग रहा है पर तुम्हारे जो गन का मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुलेट मास ठीक है तुम्हारी क्या होती है गन पीछे आ जाती है और हमारी गोली बुलेट जो है चली चलिए तुम्हें टारगेट तरफ ठीक है समझ में आ गया ना फ्रिक्शन के बिना भी नहीं चल पाते बिल्कुल समझ में आ गया है ना हाँ समझ में आ गया नहीं मारे क्लियर हो गए ना इसलिए क्या होता है हमारा ये अलाफा नीलाता है और एक बात देख लो तुमको बताना तो चाहूँ अगर इमारा क्या था मतलब मेन बीज सेम बिकॉज मतलब कह रहे हैं मतलब कि हमारा फोर्स सेम मू में सेम दिफरेंग दिफरेंग हो सकता है बट उनका एक्सन जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ठीक है ये बातें हो गई अभी देखो एक्शन हमारी बॉल है ये हमारी बॉल है जब ये बॉल जमीन पर टकराएगी जब ये बॉल ग्राउंड पर टकराएगी ये बॉल ग्राउंड पर टकराएगी तो जानते क्या हो क्या होगा ये बॉल वापस से बाउंस बैक करेगी और बॉल यहाँ कहीं पहुँच जाएगी और बॉल जो है पचक गई ठीक है ये बॉल जो है यहाँ कहीं पहुँच जाएगी मतलब जब बॉल आ रही है तो यहाँ पे क्या कर रही है वो एक्शन दिखा रही है अपना ठीक है यार देखो मैं एक्शन ठीक है वो एक्शन दिखा रही है बट जब ग्राउंड रिएक्शन दिखाएगा ना तो क्या इतने तेजी से आई हूँ ना उल्टे पैर लौट चल ठीक मतलब इसे आ रही है उतनी स्पीड से वो क्या कर रही हो चली जा रही है मतलब जब बॉल तो पटकते हो नीचे तो क्या होती है बॉल जंप बैक करती है ठीक है जंप बैक करती है ठीक है हाँ गौर ज्वाइन हो गया ठीक है यस हल्का सा झटका हाँ झटका लगा लेता है समझ में आ गया ना तो क्या होती है बॉल आती है और क्या होती है वापस लौट जाती है ये भी क्या हमारा एक एक्शन एक एंड रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि हम क्या कर रहे हैं बॉल के ऊपर मतलब ग्राउंड के बॉल ने एक्शन किया तो बॉल ने और ग्राउंड ने क्या किया उसके ऊपर रिएक्शन किया ये भी कि हमारा एक्शन एंड रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है ठीक है अब देखो हमारा अगला पॉइंट आने वाला है कंजरवेशन मोमेंटम अब ये मेन पॉइंट है अब ये मेन पॉइंट है सबसे धमाकेदार पॉइंट ठीक है सबसे बढ़िया पॉइंट एज पर द लॉ ऑफ कंजरवेशन मोमेंटम द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम गिवेन दैट नो एक्सटर्नल एंड बैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन देम इन अदर वे कोलिजन कंजर्व द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे और अगर उनके ऊपर कोई अलग से अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए मतलब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए और जब भी दो ऑब्जेक्ट उसे मीट करेंगे मतलब कोलाइड करेंगे कोलिजन करेंगे ठीक है टकराएंगे कोलिजन करेंगे तो जानते क्या हो क्या होगा टकराने के पहले और टकराने के बाद जो उनका टोटल मोमेंटम है मतलब एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू जो उनका पहले का दोनों का सम था ठीक है और टकराने के बाद दोनों बॉडीज अलग होंगी ठीक है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग होंगे तो उनके जो सम होगा वो इक्वल होगा कहने का मतलब क्या है यहाँ देखो ऐसे मैं कहता बिफोर कोलिजन ये हमारा ऑब्जेक्ट है यू टू स्पीड से जा रहा है एम टू है और ये यू टू स्पीड से आगे की ओर जा रहा है और ये यू वन स्पीड से क्या हो रहा है आगे की ओर जा रहा है इसका मास एम वन है ठीक है कुछ हद के बाद क्या हुआ आ अजा ठीक है ये जा रहा है जब ये क्या हुआ कुछ बात के बाद भैया क्या हुआ ये आके यहां पर टकरा गया इनके बीच में क्या हुआ कोलिजन हुआ जब ये टकराएंगे तो फोर्स क्या होगा इसको दल ढकेलेगा या लग क्या होगा इसको दल ढकेलेगा पर इतना ध्यान रखना कि जो U1 की स्पीड है ये क्या हमारी U2 से ग्रेटर है इतना ध्यान रखना कि जो हमारी U1 की स्पीड है ना द U1 की स्पीड जो है इज ग्रेटर देन U2 अब क्यों ग्रेटर देने वाले समझो मेरी बात देखो अगर यू वन ग्रेटर देन यू टू नहीं होगा तो कोलिजन होगा ही नहीं अगर दोनों स्पीड सेम होगी तो क्या होगा बड़ा ये भी चलेगा ये भी चलेगा डिस्टेंस बीच में क्या होगा कॉन्सेंट रहेगा बट हमको तो कोलिजन करना है तो क्या होगा हमको यू वन जो है इसकी स्पीड क्या होगी हमारी ग्रेटर देन होगी यू टू तभी तो क्या होगा टकराएगा इससे आकर के तभी तो आकर के टकराएगा ना तो फिर ये हमारा कंसर्वेशन मिनट बात कर रहे हैं फिर क्या हुआ इस बेलट फोर्स लगा इस बेलटर फोर्स लगा मास वन एम टू है मास सेम ही रहेगा फिर टकराने के बाद क्या हुआ इनकी स्पीड चेंज हो गई आफ्टर कोलिजन क्या हुआ इनकी स्पीड चेंज हो गई ये v2 चलने लग गया ये v1 चलने लग गया ये बात रही आफ्टर कोलिजन की तो टकराने के पहले इनका मोमेंटम और टकराने के वक्त छोड़ करके टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या होगा सेम होगा इस वक्त मोमेंटम टोटल मोमेंटम और इस वक्त का टोटल मोमेंटम क्या होगा इन लोग का सेम होगा अब कैसे होगा और तुमको सिखाऊँ ठीक है जैसे कि टू बॉल ए एंड बी हैविंग अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी ठीक है दो बॉल हमारे पास पीछे थी तो दोनों के कहते हैं कुछ ना कुछ पहले से इनिशियल कि हमारी यू थी वो क्या हुई एक दूसरे से टकरा गई तो कंडीशन बिफोर द कोलिजन तो क्या होगा नो अनबैलेंस फोर्स उनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है लगाया नहीं जा रहा है एक्सटर्नल ठीक है ऐसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इज ग्रेटर को तो बताया कि हमारे यूएन वेलोसिटी जो हमारी यू टू ज्यादा होनी चाहिए तभी क्या होगा हमारा होगा ही नहीं ठीक अब देखो फ्रॉम थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट कि एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ बी ए ये देखो एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ बी ए ये ए बी है इसको माइनस बी को ले रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये हमारा इधर है और ये लग रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कह रहे हैं इसको हम लोग उल्टा दिखा रहे हैं यानी कि एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ बी ए सज में आ गया ना ये न्यूटन थर्ड लॉ की बात है अब देखो हमारा एफ और बेबी की बात करें तो हमारा पहले कितना था हाँ पहले हमारा कितना था पहले कितना मास का था एम ए वी ए माइनस यू ए टी एम वी बी डी यू बी टी एम ए यू ए प्लस एम वी यू डी इसकी बात छोड़ तुमको मैं समझाता हूँ ठीक है पता नहीं कैसे फंडा में लिख दिया यार अच्छा बस खत्म होने वाला है ठीक है ये तो एकदम खत्म होने वाला चैप्टर ये चैप्टर जो है एकदम खत्म होने वाला है बस चैप्टर जो है खत्म होना है ठीक है इसकी बात छोड़ो यहाँ देखो तुमको पॉइंट बताता हूँ ठीक में में। मेरी बात सुनना हमें क्या बताया कि हमारा फोर्स कितना है ये है। हमें क्या बताया कि फोर्स जो लग रहा है ए बी ये क्या होगा उल्टा होगा माइनस एफ ऑफ ए बी के एफ ऑफ माइनस एफ बी ए के ठीक है हमें क्या बताया कि एफ वन हमारा फोर्स कितना है एफ वन हमारा कितना है एफ वन हमारा कितना जानते हो एम वन यू वन माइनस एम वन यू वन m1v1 m1u1 M1 us हाँ, समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हां m1v1 m2u2 m1v1 m2v2 यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही हमारा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझो बात तो कैसे आया हमारा ये आखिर ठीक है हम अगर देखें यहां पर मोमेंटम कंजर्व मतलब टोटल मोमेंटम इसका मोमिनटम कितना होगा एम वन यू वन इसका मोमेंटम कितना होगा ठीक है अब इतना ऑप्शन नहीं लिख रहे तो लिख बताता मैं ठीक से आराम से इसको फिर भी इसको समझना हो वीडियो पड़ी हुई वी है जाकर दोबारा चेकआउट कर सकता है ठीक है मैंने समझाया है मोमेंटम के बारे में ठीक है तो आप जाकर देख सकते हो आप डरिवेशन आपको समझना है अगर तो इसका क्या होगा एम वन यू वन इसका क्या होगा एम वन और यू वन इसको मल्टीप्लाई क्यों एम टू यू टू यानी कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ये क्या है इसका मोमेंटम है ये क्या है इसका

इनका जो टोटल मोमेंटम है इसके टोटल मोमेंटम के बराबर रहेगा यानी कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा मोमेंटम चेंज हो जा रहा है मतलब किसी का बढ़ रहा है किसी घट रहा है पर जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज ही रहेगा हाँ मेनटमस्टैंड करता है, है तो मतलब कोलिजन में बिल्कुल मोमेंटम क्या होगा हमारा कंजर्व रहेगा मोमेंटम क्या होगा हमारा कंजर्व होगा मैं बता रहा है एम वन यू ए ठीक है प्लस एम बी यू वी इसको टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी ठीक है वहाँ पर ए बी फॉर्म में दे दिया इसको ठीक Uh, यू की बात करते हैं यहाँ पे ए बी वी की बात ना ए एम वन ए यू ए प्लस एम बी यू वी इज वील टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी इतनी बातें क्लियर है ना इतनी बातें आई हम सब क्लियर होंगी किसी को दिक्कत नहीं होगी किसी को परेशानी नहीं होगी ठीक है एकदम हल्की सी बात है एकदम आसान सी चीज़ें हैं ठीक है तो so, चलो फिर आगे बढ़ते लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ने समझ लिया है क्या होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कोलेजन इसको टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और इसके ऊपर बहुत सवाल है इसके ऊपर बहुत सवाल है ठीक है मोमेंटम के ऊपर आपको बहुत सवाल मिलेंगे आगे चल करके ठीक मोमेंटम के ऊपर आगे चल के आपको सवाल काफ़ी मिलेंगे हाँ समझ में आ गया ना तो चलो अब देखते हैं भाई आगे की बातें नो दिक्कत क्लियर है ठीक है और बाकी जिसको डेरिवेशन देखना हो तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है ठीक है मैंने पढ़ाया था आप वहाँ पर जा करके डेरिवेशन पूरा इसका आराम से देख सकते हैं ठीक दे आर कंसाइडर एज द फंडामेंटल लॉ इन फिजिक्स ठीक है, है? इसे हम लोग क्या करते हैं फंडामेंटल लॉ फिक्स माना जाता है क्योंकि लॉ तो है ना यहाँ इस्तेमाल होता है ठीक है वो कहते हैं फंडामेंट उसको बोले हम लोग फंडामेंटल लॉ लॉक्स मान लेते हैं ठीक है ये हमारा एक फंडामेंटल लॉ है इन फिजिक्स के अंदर ठीक दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ठीक है ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है पहली बात दूसरी बात ठीक है तीसरी बात क्या है दे कैन नॉट ई प्रूव बट कैन बी वेरीफाइड और डिस प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ठीक है हम इसको प्रूव नहीं कर सकते बट हम इसको वेरीफाई या डिस प्रूव कर सकते हैं किसके मदद से एक्सपेरिमेंट की मदद से अगला क्या है सिंगल एक्सपेरिमेंट इज नॉट इनफ टू डिस एक सिंगल एक्सपेरिमेंट जो है किसी भी लॉ को डिस, डिस्प्रूव करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है ठीक है समझ में आ गया ना वाला सिंगल एक्सपेरिमेंट इज नॉट इनफ टू प्रूव द सेम ठीक और वहीं एक सिंगल एक्सपेरिमेंट भी पर्याप्त नहीं होता है किसी लॉ को प्रूव करने के लिए डिस्प्रूव करने के लिए भी हमको सिंगल एक्सपेरिमेंट करके किसी लॉ को नहीं बना सकते और हम किसी लॉ को अगर हमको प्रूव भी करना है तो उसको एक सिंगल एक्सपेरिमेंट से हम नहीं बना सकते पूजा भी सुनो सरोमेंटम समझाइए प्लीज Please explain third law. प्लीज एक्सप्लेन थर्ड लॉ प्लीज समझाना है तो सुनो मेरी बात फिर ठीक है पूजा और पीपीटी हब ठीक है मेरी बात सुनो देखो भैया सब बच्चे पर सुन लो ठीक है बच्चों की डिमांड है फिर से बता दे कि थर्ड लॉ मौसम हमारा क्या कहता है थर्ड लॉ मौसम हमारा ये कहता है जैसी करनी वैसी भर रही मतलब तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम जितना फोर्स लगाओगे ऐसे मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है ठीक है ठीक है इसमें समझो यहाँ पर तुम एक्शन रिएक्शन लो तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट है ये कर रहा है धरती के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है जो बॉल आ रही है ये क्या कर रहा है इसको फोर्स लगा रही तो है तो ये बॉल क्या हमारा रिएक्शन है यानी जो ग्राउंड है रिएक्शन दिखाया क्या कि बॉल को दोबारा फेंक देगा ऊपर की मतलब जब भी तुम किसी हमारी से वाल है तुम इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो तुम जितना फोर्स लगा रहे हो ना क्या होगा वॉल भी तुम्हारे ऊपर उतना फोर्स लगाएगी तो बॉल क्या होगी तुम्हारी हिलेगी नहीं बॉल क्या होगी तुम्हारी हिलेगी नहीं योर चैनल इज बेस्ट थैंक यू आपको पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट नहीं मुझे पेमेंट नहीं चाहिए भाई ठीक है पीपीटी योर सपोर्ट ठीक है बट हमको पेमेंट की आवश्यकता नहीं है भाई ठीक है हम फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं यार सबको ठीक है यहाँ फ्री वाला काम चलता है ठीक आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा ठीक है आपको अगर आपको चलना अच्छा लग रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो इस वीडियो के लिंच में आपको लिंक मिल जाएगी ठीक है परेशान नहीं होने का ठीक है थैंक यू आपको अच्छा लगा ठीक पर पेमेंट आवश्यकता नहीं भाई ठीक है पैसे को अपने पास रखो पैसों से कॉपी की किताब खरीदो ठीक है अपने माँ बाप के लिए कुछ करो घर वालों के लिए कुछ करो ठीक है ऐसे फालतू को फालतू कोचिंग में कोचिंग कोचिंग वोचिंग मत दिया करो ठीक है मेरी बात तो क्या होगा तुम्हारे ऊपर अपोजिट रिएक्शन लगाएगा जैसा तुम किसी को अगर तुम थप्पड़ मारोगे तो तुम क्या तुमने क्या किया तुमने एक्शन दिखाया बट जब वो व्यक्ति तुमको दोबारा उठकर थप्पड़ मारेगा ना तो क्या करेगा वो रिएक्शन करेगा समझ में आ गया ना फ्री एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कह सकते बट मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट है जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे अब रिक्वायर्ड है लेकिन मैं कभी लूँगा भी नहीं पूरी कोशिश करूँगा कि पैसा से तो लूँ भी ना और कभी लूँगा भी ना तो मैं इतना कम लूँगा कि दुनिया में शायद ही कोई इतना कम पैसा ले करके पढ़ाएगा ठीक है हाँ और भी सबके लिए नहीं यहाँ तो चल रहा है फ्री फ्री चलेगा ठीक है इन फ्यूचर कभी कुछ करेंगे अगर तो वो फ्री ही रहेगा ठीक है ठीक है वो फ्री ही रहेगा ठीक है वो फ्री ही रहेगा तो फ्री रहेगा क्योंकि मैं जानता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी ठीक है ये वैल्यू ऑफ़ मनी कितनी होती है एक माँ बाप के लिए ठीक है वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है मैं जानता हूँ ठीक हम उन कोचिंग की तरह नहीं है कि मतलब पचास पचास पचा, साठ हज़ार रुपये ले काम करवाएं ठीक है और अगले को हमारा क्या आता है तुम समझो ना एक्शन एक्शन लॉ आता है तो अगला पॉइंट हमारा क्या है अगला मैंटम हमारा क्या है कंजर्वेशन मोमेंटम देखो मोमेंटम होता क्या है कि हमारी बॉडी का मोमेंटम जानते हो क्या होता है कि बॉडी की स्पीड कितनी है और उसका बॉडी का मास कितना है जो उसका प्रोडक्ट होगा भाई क्या होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ वेंटम होगा यानी कि मोमेंटम क्या होगा हमारा मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हमारा होगा मास इंटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम बट कंजर्वेशन ऑफ वेंटम क्या है ये देखो तुम इसका समझ जाओगे आराम से ठीक है एकदम ईजिली तुम एकदम ईजिली समझ सकते हो इसमें अंदर देख करके देखो मेरी बात सुनो ठीक है बच्चा पूछा है कहाँ गया ना आपका हुँ, 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 हुँ। पूजा बिष्णु ठीक है ठीके? पूजा बिष्णु ठीक है देखो बिफोर कोलिजन क्या है कि एम वन इंटू यू वन ठीक है U1, अब देखो हमको इसका अगर ऑब्जेक्ट हमको ए का निकालना है हमको अगर क्या निकालना है हमको भैया इसका मोमेंटम निकालना है अगर हमको ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम निकालना है ये क्या हमारा ए है ये हमारा क्या है बी चल जा ये हमारा क्या है बी ठीक है थीके? अगर हमको ए और बी का मिनटम निकालना क्या करो उसके मार्क्स कर दो एम व यू वन हो गया इसका इसका मल्टीप्लाई करो हमारा क्या एम टू यू टू आएगा जब दोनों को ऐड करो तुम्हें क्या मिलेगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू और आफ्टर ड्यूरिंग कोलिजन हो गई बात अब आता है आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन में क्या है एम वन वी वन इसको लोडर कितनी होगी वन हो गई इसको लोडर कितनी होगी वी टू हो गई जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो मैं क्या मिलेगा जब इनको मल्टीप्लाई तो मैं क्या मिलेगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बस यही बात यहाँ पे कही गई है कि द बिफोर कोलिजन टोटल हमारा क्या होता है uh, कंजर्व होता है और आफ्टर को हमारा क्या टोटल कंजर्व होता है यानी कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी यानी कि इसको एक जगह वन मान लो अगर तुम uh, इसको वन मान लो ठीक है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इसक टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ठीक है ये है हमारी बात ठीक है समझ में आ गया ना इतनी बातें क्लियर हो गई ठीक है आई होप क्लियर होगा ठीक है अभी भी क्लियर ना हुआ भाई ठीक है आपको तो आप एक काम करना वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना ठीक है आराम से मैंने डिटेल पढ़ाया उसको तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट रिवीजन करवा दिया तुमको ठीक है तुमने पूछा तो ठीक है होप सब क्लियर हो गया होगा ये हमारा क्या होता है कि हम सिंगल एक्सपेरिमेंट से किसी भी हम लोग किसी भी लॉ को हम प्रूव नहीं कर सकते और किसी हम सिंगल एक्सपेरिमेंट से किसी लॉ को हम डिस भी नहीं कर सकते मतलब किसी को लॉ हम बता भी सकते नहीं है तो हम किसी लॉ को आ, मतलब गलत साबित नहीं, नहीं कर सकते किसी सिंगल एक्सपेरिमेंट से और हम सिंगल एक्सपेरिमेंट से किसी भी लॉ को सच साबित नहीं कर सकते ठीक अगला क्या है इट रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द लॉ किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ठीक है जो तुमको लॉज मिले हैं इस लॉज को प्रूव करने के लिए ना जो तुम छोटी डेरिवेशन करते हो इस छोटी सी डेरिवेशन को तुम्हारे समझ धरने के लिए साइंटिस्टों ने कितनी मशक्कत की है तुम क्या जानो ठीक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओमेंटम वॉज फार्मुलेटेड थ्री हंड्रेड ईयर है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ओमेंटम जो है ना ये तीन सौ साल पहले का 300 ईयर्स पहले ठीक है थैंक यू पूजा बिश्नोई थैंक्स सर ओके पूजा ठीक है अगर आप समय भी ना आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आराम से देख सकते हैं ठीक है अभी आप फोकस करो कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है हमारा कब बनाया गया है 300 ईयर्स एगो बनाया गया है ठीक है देयर इज नो सिंगल सिचुएशन परसेंट अंटिल हाउ नाउ दैट दिस अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में लेकिन अब देखा जाए अगर तो कोई भी ऐसी सिंगल सिचुएशन दुनिया में प्रेजेंट नहीं है जो कि मोमेंटम को अब डिसप्रूव कर सके ठीक है अब कोई भी नो सिंगल सिचुएशन प्रेजेंट प्रेजेंटेन लॉ डेट डिसप्रूव द लॉ इस लॉ को डिसप्रूव करने के लिए अब कोई भी सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं बचा हुआ है ठीक है अब कोई भी सिचुएशन से बची नहीं हुई है जहां हमारा लॉ क्या फॉलो ये ना हो रहा हो अब कुछ लो और देख लो ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपसे मान लिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा एनर्जी भी होता है कि हमारा एनर्जी क्या है कंजर्व है ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा एंगल मोमेंटम होता है तुम क्लास इलेवेंथ पढ़ोगे ठीक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ठीक है तुम अगले साल पढ़ोगे ठीक है समझ में आ गया ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है द लॉ ऑफ हमारा एंगल मोमेंटम क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है ये सब चीज़ें ना ठीक है समझ क्या ना समझा तो चीज़ें क्या है कंजर्व है समझ में आ गया नहीं तो बहुत ऐसे थोड़ी सच आती हैं बहुत समय लगता है भाई इनके ठीक है तो जो जो क्लास के अंदर प्रेजेंट हो सभी लोग भाई ये कर दो अगर तो पसंद आए हो अच्छा लगा हो तो ही ठीक है वीडियो को लाइक कर दो और जुड़ना हमारे साथ अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है तो आप लोग बचाओ सभी, सभी लोग भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक दोस्तों साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग हेल्प उठा सके ठीक है वो लोग भी बेनिफिटिटि उठा सके फ़ायदा मिल सके उनको भी ठीक जो बच्चे एफर्ट नहीं करते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ठीक है तो बड़ा ना सही पर इतना है कि आपको किसी बड़े से छोटा होने नहीं देगा ठीक उससे ही ऊपर ही रहोगे इतना तो भाई कॉन्फिडेंट है तुम लोग पे ठीक है जो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो खत्म होने के आ, दस पंद्रह मिनट बाद ठीक है पंद्रह मिनट के अंदर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप की मिल जाएगा जो बच्चे ऐड होना चाहते हैं वहाँ पर ऐड हो सकते हैं ठीक है तुम्हारा क्या है? मेंटी पे सर नमेरिकल आएंगे बिल्कुल मेंटी पे नोमरिकल है आज ठीक है सभी लोग लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ठीक है और सभी लोग तैयार हो जाओ गेट रेडी टू प्ले मेंटी सभी लोग तैयार हो जाओ गेट रेडी टू प्ले प्ले मेंटी ठीक है तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ शीघ्र अति शीघ्र हम लोग चल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर ठीक है तो चलते हैं चलो तो रेडी हो सभी लोग रेडी हैं सभी लोग वीडियो शेयर कर दो भाई अपने तो दोस्तों के साथ ठीक है जो बच्चे मेंटी वाले हैं वो लोग भी आ जाएं सभी लोग रेडी हो स्टार्ट करें नहीं तो मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में तुम <laughs> तुम्हें तो दे देना कमेंट बॉक्स में ठीक है हम तो डाली देंगे बॉक्स में तुम भी देना कमेंट बॉक्स में ठीक कोई बात नहीं तो स्टार्ट कर दे ठीक है तो लेट्स Begin. हाँ कैलकुलेटर कोई ना यूज करना ठीक कैलकुलेटर भैया यूज कोई ना करना चलो तो आप सभी के सामने मेंटी का कोड आ चुका है तो ऊपर कोड लिखा हुआ है नाइन थ्री नाइन टू थ्री नाइन टू ठीक है क्या कोड लिखा हुआ है नाइन थ्री नाइन टू थ्री नाइन टू ठीक है हमारा क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मेंटी डॉट कॉम और आपको क्या करना है आपको कोड यूज करना है क्या है नाइन थ्री नाइन टू थ्री नाइन टू ठीक है यानी क्वेश्चन नंबर वन ऑफ़ फिफ्थ आपका पहला सवाल आगे वाले स्क्रीन पर आने वाला है ठीक है सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएं कोड ऊपर लिखा हुआ है नाइन थ्री नाइन टू थ्री नाइन टू जो फर्स्ट टाइम उनको बता दूँ कैसे ज्वाइन होना है आपको आपको जाना है मेडी डॉट कॉम पर जब आप मनी डॉट कॉम पर जाओगे तो पूछा आप पूछे कोड क्या है तो कोड आपको वहाँ आप पर इंटर क्या करना है नाइन थ्री नाइन टू थ्री नाइन टू जब ये कोड इंटर करोगे तो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है अपना नाम बता देना ठीक है उसके बाद आप लॉग इन होने के बाद वापस यहाँ पर लौट आना ठीक है इतनी सी बात है आज के सवाल वाकई काफ़ी अच्छे हैं ठीक है ठीके? आज के सवाल जो हैं वाकई काफ़ी अच्छे हैं बहुत बढ़िया है, बढ़िया सवाल है आज के सवाल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं ठीक है ठीके? बड़ा मज़ा आएगा ठीक है बड़ा मज़ा आएगा ठीक है जब आंसर तुम ना दे पाओगे <laughs>. देखो आंसर आज मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे सही सही दें ठीक क्योंकि आज आंसर कोई गलत दे सकता नहीं ये सवाल इतने प्यारे प्यारे हैं आज के बट में भी जो बच्चे सवाल अंसर गलत दे देंगे ना तो घबराने का नहीं क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो रियली नाइस ठीक है आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं बता कि जो मोमेंटम है ना ये साथ ना छोड़ेगा आपका समझे ये आपका साथ ना छोड़ेगा ये आपके साथ बना रहेगा तो इस मोमेंटम को हल्के में ना लेना हल्के में ना लेना गुरु समझे इस मोमेंटम को हल्के में ना लेना ये तुम्हारे साथ बना है तुमको एलेवन तक ले जाएगा मोमेंटम तुमको इलेवन तक ले जाएगा इलेवन तुम्हारे काम आएगा फिर जो तैयारी करेंगे जेई वगैरह की ठीक है इंजीनियरिंग वगैरह की नीट वीट की जो बच्चे तैयारी करेंगे फिर उनको इनका साथ देना पड़ेगा मतलब जो तुम टॉक्ट पढ़ रहे हो आज ना नाइन्थ और टेंथ ठीक है तुम्हारा क्या एक फ़ाउंडेशन है यह क्या है तुम्हारा एक फाउंडेशन है समझे ये क्या तुम्हारी तैयारी है छोटी सी तुम्हारे आगे आने वाले एग्जामों के लिए तुम क्या कर रहे हो बेसिक्स तैयार कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो बेसिक्स तैयार कर रहे हो लेकिन बच्चे ही बेसिक छोड़ देते हैं इलेवंथ में जाते हैं कहते हैं अरे ये सब क्या चीज़ें हैं बड़ी बड़ी देखो इलेवेंथ जब बो लिखी जाती है तो वहाँ पर टीचर ये सोच के लिखता है कि अरे बच्चे ने नाइन्थ पढ़ा है तो नाइन्थ कॉन्सेप्ट को मैं इतना ना डिटेल में डालूँ कि बच्चा पगला आ जाए ठीक है उसको लंबा चौड़ा ना हो इसलिए करता हूँ नाइन्थ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत स्किप कर देता है काफ़ी स्किप नहीं करते थोड़ा बहुत स्किप कर देते हैं ठीक है बच्चे लेकिन करते क्या कि वो नाइन्थ पढ़ते ही नहीं है फिर पगलाते हैं एंगुलर मोमेंटम जब सर्कल मोमेंटम लगता है तो तुम्हारा ही हो गया ये स्ट्रेट लाइन का मोमेंटम ठीक है जब सर्कल पढ़ोगे ठीक है रोटेशनल मोशन तो रोटेशनल मोशन का जो मोमेंटम लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक है वो हमारा आता है एंगुलर मोमेंटम के अंदर अब जो तुम एंगुलर वेलोसिटी देखो ये हमारे सर्कल मोशन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी मारी गया एंगुलर वेलोसिटी ठीक जो बॉडी माई रोटेशनल मोशन कर रही है वो क्या रखेगी अपने पास एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एंग ठीक है तो जो एंगुलर शब्द आता है ना ये हमारा आता है रोटेशनल से एक्स इरोटेशनल से आता है वेंटम बहुत भारी होता है वह भारी नहीं होता है ठीक चलो स्टार्ट करते हैं चलो रेडी हो ऑल ऑफ यू रेडी और नॉट जल्दी से बता दें ब्रो वो सब बाद में अभी मेंटी सभी लोग रेडियो चैट के अंदर लिख दो तो अपनी, अपनी ये मोमेंटम कह रहा हूँ तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें मेंटी आज की स्टार्ट करें आप सभी के सामने पहला प्रश्न आए आज वाले बहुत लल्लू लल्लू से हैं बड़े प्यारे प्यारे ठीक है बहुत बच्चे आज नहीं आए अजंसिका नहीं दिखे अजंसिका नहीं दिखी अंजलि नहीं दिखी, दिखी।, दिखी। संस्कृति नहीं दिखी सत्यम नहीं दिखा विदित तो आया है और कौन बच्चा नहीं दिखा आज बहुत से बच्चे नहीं दिखे यार वाए कहाँ चले जाते हैं चलो स्टार्ट करते थर्ड लॉ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडीज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन है सेम मैग्ट्यूड एंड डायरेक्शन और क्या लिखा है एक्शन अदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर लल्लू सवाल है लल्लू सवाल लल्लू सा सवाल है ठीक है छोटी सी बात है जिसने पढ़ा है वही उत्तर देगा हलवा क्वेश्चन आज गलत नहीं आएगा क्या है तुम लोग तो गलत नहीं आने दो क्या आज भैया अरे कोई तो गलत आंसर दे दो हंसिका है सर यही है अच्छा यही हो तब भी एक्सेलेरेशन डिफरेंट होता है तब भी एक्सेलेरेशन डिफर होता है कभी-कभी बिल्कुल कभी, हाँ देखो मेरी बच्चे ने बात मानी मैंने बोला कि कोई गलत दे दो तो बच्चे ने गलत अगला दे दिया ठीक <laughs> बस सही बस कह रहा है हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन

ये yeah. क्या है हमारा ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन अगर तुम किसी दीवार के ऊपर लगा रहे हो ना अगर तुम किसी दीवार के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हो तो तुम हाथ जब उस दीवार के ऊपर रखोगे ठीक है जब तुम दीवार को फोर्स लगाओगे तो जानते हो क्या होगा तुम दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो तो तुम दीवार तुम्हें क्या करेगी जो वाल है वो तुम्हें क्या करेगी वो तुमको उल्टा फोर्स लगाएगी वो तुमको उल्टा फोर्स लगाएगी तुम्हारे ऊपर मैं मतलब इतना तुमसे फोर्स लगा रहे हो ना क्या करेगी उतनी ही मैग्नेट से तुम्हें क्या करेगी अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी उससे क्या होगा तुम उसी ऊपर बैठे रहोगे मतलब धक्का मारते रहोगे कहोगे दीवार तो हिल नहीं रही है ठीक है तो ये क्या होता है हमारा पहला होता है हमारा थर्ड लॉ मोशन होता है ठीक है ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है समझ में आ गया ना समझे यानी कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है समझ में आ गया ना आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वेटिंग फॉर प्लेयर्स आज बच्चे मेंटी में कम है आई नो डोंट नो बट वाई ठीक चलो बच्चों पता ही नहीं होगा कोई बात नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने आपका अगला प्रश्न आने वाला थी? तो फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स गो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंने या yeah, मैंने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या जल्दी बताओ जल्दी बताओ मास एनर्जी मोमेंटम वेलोसिटी क्या किस पर हमारा रॉकेट जो है वर्क करता है किस पे रॉकेट वर्क करता है अभी क्लास में भी बताए थे ज्यादा ही हलवा क्वेश्चन है <laughs> कुछ ज्यादा ही हलवा क्वेश्चन है तो सही बात है मतलब हदे पार कर दी हलवापन की ओ हो मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया ठीक है मज़ा आ गया आज कि सही बच्चों ने इसका आंसर जो है एकदम गजब तरीके से दिया है कि जय बच्चों ने भैया इसका आंसर जो है एकदम गजब तरीके से दिया है किसी बच्चे ने इसका आंसर जो है गलत नहीं दिया सभी ने सही दिया तो नौ बच्चों ने दिया है और नौ ने सही दिया है जब वहाँ रॉकेट है ना वो किसी और करता है रॉकेट वर्क कहती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम

अपना जब उड़ने समय आता है ठीक है लॉन्च का समय आता है रॉकेट का ठीक है तो क्या होता है कि रॉकेट में जो फील होती है जो गैसेस होती है भरी क्या करती है ये बैकवर्ड ऐसे मतलब नीचे की ओर नीचे ओर क्या करती है फोर्स लगाती है उससे क्या होता है मोमेंटम होता है मोमेंटम क्रिएट होता है और ये जो मोमेंटम होता है ना ये क्या करता है उल्टा यानी कि भाई कंजर्वेशन और हम जानते हैं कि इतना मोमेंटम इधर है ठीक है तो और कोलिजन के बाद क्या होगा दोबारा मोमेंटम होगा जब तुम्हारी गैसेस आई और नीचे इस पर टकराई और जब टकराई कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद जो दोबारा मोमेंटम क्रिएट होगा मतलब जब क्या होगा दोबारा मोमेंटम क्रिएट होगा यानी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या करेगा रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाएगा यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा सन में आ गया ना सन में आ गया ना क्लियर हो गया ना जो रॉकेट है इस पे काम करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के ऊपर काम करता है काम करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रैंकिंग देखते हैं किन किन बच्चों ने इसका आंसर एकदम जमा कर दिया है वेरी गुड गोरांस नाइन नाइन्टी फाइव पॉइंट के साथ फिर वीरमा नाइन नाइन्टी फोर पॉइंट था राहुलसन बराबरी पे नाइन पॉइंट्स फोर पॉइंट रोहित जसवाल नाइन थ्री पॉइंट के साथ पगी ठीक है नाइन एटी फाइव पॉइंट से नितिन नाइन एटी पॉइंट के साथ उसके बाद हर्षित यादव नाइन सेवेंटी थ्री पॉइंट के साथ फिर अंशिका एट सेवेंटी नाइन पॉइंट के साथ फिर शशांक एट सेवेंटी पॉइंट साथ ठीक है वेरी गुड वेरी गुड टू एवरी वन हो गया द राइट आंसर ठीक है तो सभी लोग बहुत अच्छा किए सवाल मुझको एकदम पता नहीं था लोग अच्छा कर पाओगे पर आपने अच्छा किया ठीक आगे बढ़ते हैं तो आप सभी के सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला प्रश्न आने वाला है सभी लोग जल्दी से लौट जाएं कहाँ पर सभी लोग जल्दी से लौट जाएं भैया कहाँ पर कहाँ पर लौटना है आपको मेंटी पर ठीक है सभी लोग जल्दी से मिनटी डॉट कॉम पर चले जाओ क्योंकि आप सभी के सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला प्रश्न आने वाला है ठीक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है मे भी आई डोंट नो ठीक ठीक है तो मास ऑफ बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ लीनियर मोमेंटम विल भी अगर हम क्या कर रहे हैं किसी किसी की मास की बॉडी अगर कर डबल कर दे रहे हैं और उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दे रहे हैं अगर हम किसी uh, मास सॉरी uh, मास कर अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दे रहे हैं और उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दे रहे हैं तो उसका मोमेंटम यानी उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा रिमेन सेम रहेगा डबल हो जाएगा आधा हो जाएगा या फोर टाइम हो जाएगा जल्दी बताएं। मेरे में क्वेश्चन ही लेट आया कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी सर्वर है नेट है क्या करोगे ठीक है ये डिजिटल दुनिया में कुछ भी हो सकता है इस डिजिटल दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है ये वाला गलत हो गया ये वाला गलत हो गया शायद बट पटा चल गया सर गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा जरा तुम मुझको ये बताओ अगर हम बॉडी के मास को अगर हम ऑब्जेक्ट के मास को डबल करते मतलब अगर हमारा पहले मास m था तो हमारा मास कितना हो जाएगा टू -म हो जाएगा होगा कि नहीं होगा हमारा मास टू एम हो जाएगा और हमने क्या किया वेलोसिटी के मास को हमने क्या किया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आधा किया मतलब पहले अगर उसकी वेलोसिटी v थी तो आप उसकी वेलोसिटी जानते कितनी होगी v बाई टू होगी कितनी होगी v बाई टू होगी और ऊपर भी टू है हम जानते हैं कि लीनियर मिनटम मतलब जो हमारा सीधे चल रहा है और एंगुलर मोमेंटम हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना होता है जो सर्कुलर पाथ में यानी कि जो रोटेशनल मोशन कर रहा होता है ठीक है तो हमको एंगुलर के बारे में कुछ भी नहीं जानना है हमको सिर्फ लीनियर के बारे में जानना है नाइन्थ के अंदर ठीक तो हमारा मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी मास कितना है टू एम और हमारी कितनी है वी बाई टू और ऊपर टू और नीचे टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा मास इंटू वेलोसिटी यानी कि पहली माली कितनी थी मास इंटू वेलोसिटी थी एम वी थी और अब भी कितनी हमारी एम वी है नो डाउट मास ज़्यादा है वैल्यूटिकम है प्रेजेंट टाइम में ठीक अगर हमारा मोमेंटम क्या हो तो सेम है ना मोमेंटम क्या हमारा सेम ही है ना तुम्हारा कह गया सेम रहेगा और वो बच्चे कह कहते बिकम हाफ ना 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 ठीक है अगर तुम्हारा मास वैसा ही रहता और अगर तुम्हारी वेलोसिटी आधी होती सिर्फ तो तुम्हारा हाफ होता है और बच्चे कह रहे हैं चार टाइम फोर टाइम्स देखो भाई मेरी बात सुनो ठीक है अगर तुम्हारी वेलोसिटी भी दुगनी होती ना और तुम्हारा मास दुगना होता यानी दोनों डबल हो जाते तब तुम्हारा फोर टाइम होता तुम्हारा फोर टाइम नहीं होगा समझे क्या होगा रिमेन सेम ही रहेगा रिमेन सेम ही रहेगा ठीक है गलत हो गया हो कोई बात नहीं ओहो एकदम चेंजेस आ गए हैं पगी हमारे सबसे तेज 1978 पॉइंट्स सबसे ऊपर फिर नाइनटीन सेवेंटी पॉइंट्स पॉइंट गौरास नाइनटीन 1924 ट्वेंटी फोर पॉइंट ना सिक्सटीन नाइन्टी नाइन पॉइंट के साथ फिर हुसैन नाइनटीन फोर पॉइंट के साथ मिस्टर नितिन नाइनटी सॉरी राहित जसवाल नाइनटीन नाइन्टी थ्री पॉइंटर नितिन नाइन एट्टी पॉइंट के साथ हर्षित यादव नाइन थ्री पॉइंट के साथ समी सैमी ओके okay, सैमी नाइन टू पॉइंट के साथ उसके बाद अंशिका एट सेवेंटी नाइन पॉइंट के साथ वेरी गुड ठीक है जो बच्चे वेरी गुड जो लोग भैया टॉप टेन के अंदर हो वेरी गुड ठीक हाँ तुम्हारा सही था हाँ आ गया सर अब आ ऐसा नहीं होगा मैंने तुम्हें बताया भी था यार ठीक है तुम लोग जो बच्चे मेरे साथ क्लास अटेंड करते प्रेजेंट टाइम जब मैं थ्योरी पढ़ाता था तो नोमेरिकल करवाता था तो मैंने कितने नोमरिकल्स करवाए हैं ऐसे ऊपर कि मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया इसको घटाया इसको डबल किया इसको ट्रिपल किया इसको आधा कर दिया या रहने दिया तो मैंने कितने करवाए हैं आपको सिर्फ क्या करना है आपको फार्मूला देखना है कि क्या हो रहा है और फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी क्वान्टिटीज जो है चेंज हो रही हैं हम किसको किसके चेंज कर रहे हैं तो आपको उसी फॉर्मूले के अंदर जितना हम चेंजेस ला रहे हैं उसी को धरना है उसका जो आपको दिखे काट पीट के बराबर कर देना है बस आपको आंसर मिल जाएगा फिर भी आप लोग गलती कर देते हो तो हैं बेकार लगता है बड़ा खराब लगता है ठीक है गलती होने पैसी ऐसी तो समझ में आ गया ना चलो आगे बढ़ते हैं शिवा है सेमी शिवा है सेमी नहीं है शिवा ओके सिवा ठीक है ब्रो मुझे लगा गलत हो गया चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने तीसरा प्रश्न आने वाला है सभी लोग मेन्टी डॉट कॉम पर चले जाओ ठीक है तो फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स गो द मास ऑफ टू बॉडी आर इन रेशियो फाइव इज टू सिक्स

हलवा सवाल है हलवा 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 है देखे कौन खाएगा खाएगा बहुत ही हलवा सवाल है तीन का लीनियर कैसा होगा विल बी इन द रेसियो हो, क्या होगा क्या होगा कहीं ये वाला गलत ना हो जाए क्यों गलत होगा यार तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तुमको अपने कॉन्फिडेंट है तुम्हें क्लियर है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने गलत कर दिया हाउ कैन यू से डेट कि तुमने गलत कर दिया दस सेकंड में आंसर दिए वेरी गुड विद दस सेकंड में आंसर दिए तो फिर सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो दिख जाएगा अभी सकते हैं ठीक है ठेके? हाँ जल्दी जल्दी करें सॉल्व किया है कॉन्फिडेंस ही तो नहीं है चलो टाइम साफ बहुत सही बहुत सही सात बच्चों ने एकदम करेक्ट जवाब दिया है एक बच्चे ने कहा है ट्वेल्व इंस टू फाइव दो बच्चे ने कहा है वन इंस टू टू हाउ कैन यू से डेट हाउ कैन यू से डैट आप कैसे ये बात कह सकते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना जब भी आपको इन तरह के रेशियो मिले और आपसे जिसका रेशियो पूछे पहले तो यह समझो तुम रेशियो को भूल जाओ तुम फाइव इंसू सिक्स को मान लो ए तुम फाइव इंसू सिक्स को मान लो ए तुम क्या मान लो फाइव इंटू सिक्स को ए यानी हमारा मास कितना है ए है हमारा मास कितना है ए है और वेलोसिटी को मान लो बी वन इंस टू 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 मान लो बी ठीक है कितनी होगी बी हो गई तुम्हारा मास कितना ए तुम्हारी तो वेलोसिटी है बी और तुमसे पूछा है लीनियर मोमेंटम और जानते हैं हमारा क्या होता है ए इंटू, इंटू बीस इंटू, बी, इंटू, इंटू वेलोसिटी अब देखो हमारा मास कितना है फाइव इंसू सिक्स यानी कि फाइव अपॉन सिक्स क्या होगा फाइव अपॉन सिक्स इस होता है, मतलब है काटते पीटते हैं और जब जाके वेलू जगह पैसे रुक जाती है जहां से कटना बंद हो जाती है ठीक है तो हम क्या करते हैं उसको ऐसे करके रेशियो में लिखते हैं मतलब क्या कि फाइव पॉइंट सिक्स लिखा है वन इट टू मतलब क्या कि वन अपॉइंट टू लिखा हुआ है ठीक है तो तुमको मास इंटू वेलोसिटी करना है। कि फाइव पॉइंट सिक्स इंटू वन अपॉइंट टू फाइव फाइव इंटू वन क्या होगा हमारा फाइव होगा और सिक्स टू जो क्या होगा ट्वेल्व होगा और नीचे होगा हमारा ट्वेल्व और फाइव हमारा फाइव क्या होगा ऊपर होगा और ये क्या होगा डिवाइड में आएगा जो ऊपर है उसको हम लिखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो हाँ नीचे से लिखे हम लोग अपने राइट हैंड साइड में ठीक है तो हमारा क्या जाएगा फाइव इंस टू ट्वेल्व आ जाएगा असल में आ गया ना तो ये रेशियो वाले सवाल कठिन नहीं होते हैं रेशियो वाले सवाल कठिन नहीं होते हैं बट ही देखने में थोड़े से टफ लगते हैं क्यों क्योंकि इसमें रेशियो बोल देता है हमको वेल नहीं पता हमको रेशियो पता है ठीक है तुमको रेशियो तो पूछा है ना सबसे पहले तो पूछा नहीं हमको तो रेशियो पूछा है तो बहुत आसानी से निकाल देंगे आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि कितने सही जब दिया इसका यस सर लास्ट के दो ऑप्शन मिलते जुलते थे बिल्कुल बिल्कुल मिलते जुलते थे ओहो पगी लीड लिए हुए हैं एकदम टू नाइन टू एट पॉइंट भैया पग सबसे ऊपर फिर गौरास टू नाइन जीरो जीरो पॉइंट एट वन पॉइंट के साथ टू फाइव नाइन नाइन पॉइंट के साथ फिर मिस्टर नितिन वन नाइन थ्री टू पॉइंट साथ शिवा सबसे तेज वन नाइन वन नाइन पॉइंट ऑफ हरषित यादव वन फाइव सिक्स फाइव पॉइंट के साथ फिर हुसैन क्या कर रहे हो राहिल आज नाइन नाइन फोर पॉइंट रोई जैसा फिर नाइन नाइन थ्री पॉइंट फिर हंसिका एट सेवन नाइन पॉइंट के साथ क्या हो गया तुम लोग को कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं तो सभी के सामने चौथा प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन नंबर फोर इज़ कमिंग ऑन योर मोबाइल स्क्रीन बी रेडी बी कॉन्फिडेंट हैं मुझे कोई पेन ले लो ना मेरे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मतलब मेंटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या आने वाला वही जाने मैं जानता भी नहीं ठीक है चले सभी लोग रेडी हो सभी लोग मंटी डॉट कॉम पर चले जाओ जल्दी चल सभी लोग मंडी डॉट कॉम पर जल्दी से चले जाओ शीघ्र अतिशीघ्र चले जाएं सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र चले जाएं मेरा सही है टाइम ले लिया कोई बात नहीं सही तो किया ना टाइम ले लिया चलता है बस सही तो किया ना गलत नहीं करने का टाइम लेने के बाद भी गलत हो तो बेकार है फिर तुम ठीक है गलत नहीं किया ना सही किया ना बहुत अच्छी बात है खुशी मनाओ लेट्स गो 5, 4, 3, 2, 1, answer fast to get more points. The rate of change of momentum of an object is proportional to the rate of change of momentum of an object is proportional to but the mass of the body, velocity of the body, net force applied on the body, none of these. Which one of the option is correct? Among these four options, among the options, which one of the option is एब्सोलूटरी करेक्ट मास ऑफ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी और नॉन ऑफ दिस जो मोमेंटम हमारा होता है ठीक तो है तो ये डायरेक्टली किसकी प्रोपोर्शनल होता है ये जरा सा बताओ तुम तो समझाओ ना थोड़ा सा बताओ ना आइए ये गलत ना हो जाए कहीं गलत ना हो जाए ना ना। ना गलत ना हो जाए कहीं गलती ना जाए आ जा रे थोड़ा आंसर बताए गलत ना हो जाए कहीं देखो दिखते भैया गलत ना हो जाए किसी का सब बच्चे लिख के भेजते हैं मतलब पहले आंसर मारोगे टिक मारोगे फिर कहोगे गलत ना हो जाए क्यों ना गलत हो जाए अरे गलत होगा सीखोगे ना यार गलत होगा सीखोगे ना पर दोबारा गलत मत करना है इतना ध्यान रखना नमेरिकल वाला ही गलत हो जाते हैं मेंटी में सर सॉल्व करने में टाइम चल जाता है मेरा टोटो मेरा तो जो जाएगा शायद तुम्हारा सही हो जाएगा सर देखते हैं ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेज था बिल्कुल अभी मैंने आपको प्रूविंग करवाई थी क्लास के अंदर क्या करवाया था मैंने मैंने प्रूविंग करवाई थी क्लास के अंदर क्या बताया था मैंने कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है मास इंटू वैलिसिटी होता है और किसी बॉडी की वैलिसिटी कब बढ़ती है जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं जब उसके ऊपर हम फोर्स अधिक लगाते हैं उसकी वैलिसिटी बढ़ेगी और जब वैलिसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा यानी कि चेंज मोमेंटम क्या होगा हमारे डायरेक्टली पसंद होगी कि इस बॉडी ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है समझ में आ गया ना भाइयों हर बार तो नहीं लगता में आ ना तो क्या होगा नेट फोर्स अप्लाइड बॉडी बड़ी गलत बात है गलत कर रहे हो तुम लोग ठीक है तो चेंज चेंजम क्या होता है हमारा नेट फोर्स बराबर होता है बॉडी ऊपर लग रहा पगी बहुत सही एकदम टक्कर की झिंग चल रही है तो पगी हमारे सबसे ऊपर थ्री नाइन सेवन पॉइंट सबसे तेज बार रहे हैं थ्री एट नाइन जीरो पॉइंट के साथ

मेरा मन प्रसन्न हो गया आप लोग के आंसरों को देख करके ठीक है जो ग्राफ गया है पाँच छः का मतलब पहला सही कर डाले तो बाकी भी सही करना ही नहीं है चलो आगे चलते हैं आप सभी के सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत होने वाला है तो सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र मिन्टी डॉट कॉम पर जाने कष्ट करें ठीक menti वाले टैब पर चले जाओ मिनटी वाले पेज पर चले जाओ अन्यथा आपका प्रश्न छूट सकता है ठीक है इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर देते हैं अरे कोई नंबर खास था ही नहीं इसके अंदर बस वही थोड़ा फाइव तो मल्टीप्लाई करना था तुमको इस सवालों में दो मिनट से ज्यादा कैसे लग सकता है यार एक मिनट भी बहुत इसके लिए है तीस सेकेंड भी बहुत ज्यादा है इस सवालों के लिए चलो लेट्स गो फाइव फोर थ्री टू ठीक है तो आपके सामने अगला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर, पर ये रहा डिंग 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 आंसर फास्ट तो गेट मोर गे। पॉइंट्स. सेम तो है इनर्सिया बोथ हैव डिफरेंट इनर्सिया बोथ डिफरेंट मोमेंटम क्या होगा क्या नहीं होगा जल्दी से बताओ बताओ ना बताओ बताओ ना आंसर बताया तुम तो मेंटी खेलोगे तुम तो आंसर बताना पड़ेगा जल्दी बताओ बहुत है सेम इनर्सिया तू ऑब्जेक्ट सेम मास तो क्या होगा उनका इनर्सिया सेम होगा दोनों का मोमेंटम सेम होगा दोनों का हाँ जल्दी बताओ दो ऑब्जेक्ट है उनका मास सेम है मास सेम मास्ला अब की बारो तो तेरा सेकंड में दिए हैं दो बार क्वेश्चन पढ़ के वेरी गुड जल्दी 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 जितना जल्दी कहे सॉल्व कर लेते हैं उन्हें तो एक मिनट लग जाते हैं ये तो मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड में नहीं हो सकता पक्की बार सेकंड में बोथ हैव सेम एनर्सिया कुछ लोगों ने कहा है बोथ हैव सेम मोमेंटम देखो जो एनर्सिया होता है ये हमारे बॉडी के सेप के ऊपर डिपेंड करता है अगर मान कि दोनों का सेप क्या है हमारा सेम दोनों का सेप क्या है एक ही है ठीक है तो हम इसको बताओ कि बोथ हैव सेम इनर्सिया होगा बिल्कुल होगा क्योंकि देखो तो हमारा मास जो है हमारा इनर्सिया किस पर डिपेंड करता है हमारे मास पे डिपेंड करता है इतना हमने तक तो पढ़ा है क्लास नाइन्थ हिसाब से उसकी बात कर रहा हूँ मैं ठीक है बाकी आगे चल के में और पढ़ोगे इनर्सिया के बारे में कायदे से अगर तुम इतनी बात जानो एनर्जी के बारे में तुम क्या जान सकते हो कि हमारा जो एनर्जिया उस पर डिपेंड करता है हमारे मास पे डिपेंड करता है मतलब मास तो सेम है तो एनर्जिया तो सेम होगा बट क्या मोमेंटम दोनों का सेम हो सकता है मोमेंटम हमारा क्या होता है मास इन वेलोसिटी अगर मास सेम है पर वेलोसिटी डिफरेंट हुई तो फिर फंडा ही पंडाइगलॉथ हो जाएगा ये तो हो सकता है नहीं दोनों का एनर्जिया डिफरेंट नहीं हो सकता बोथ हैव डिफरेंट मोमेंटम दोनों का मोमेंटम भी डिफरेंट नहीं हो सकता क्यों क्यों नहीं हो सकता बताओ सेम भी तो हो सकता है ना अगर दोनों वेलोसिटी भी सेम सेम हो गई तो सेम भी तो हो सकता है ना पर हमेशा सेम रहेगा ये तो गलत बात है पर लेकिन जो अगर दो बॉडीज हमारे पास है इनका मास सेम है तो ना क्या होगा इनर्सिया जो है हमेशा सेम ही रहेगा समझ में आ गया ना तो यही फंडा है यानी कि बोथ है सेम इनर्शिया चलो तो आज की फाइनल रैंकिंग देखते हैं कौन जीता अच्छा ये पगी है कौन सबसे तेज पगी सबसे भैया आंसर दिया पगी ने ठीक है उसके बाद तो मैंने गौरंस है पगी हमारे जीत गए भैया आज फोर एट नाइन टू पॉइंट्स गौरस फोर एट फोर फाइव पॉइंट्स ऑफ वर्मा थ्री एट टू फोर पॉइंट्स ऑफ शशांक्री फाइव सिक्स राहुलसैन टू नाइन फोर वन पॉइंट साथ उसके बाद ये कौन है मिस्टर नितिन मिस्टर नितिन हाँ मिस्टर नितिन हमारे टू एट नाइन फाइव पॉइंट अंसिका ही ना हाँ अंसिका टू सिक्स वन सिक्स पॉइंट के साथ शिवा वन नाइन वन नाइन पॉइंट के साथ हर्षित यादव वन फाइव सिक्स फाइव पॉइंट उसके बाद हमारे कुमार वर्मा वन वन एट फाइव पॉइंट सा ठीक है और जो बच्चे प्रेजेंट है क्लास के नाम आंसर सही दिया है सबको वेरी गुड ठीक तो वेरी गुड टू हेवरी वन आज की मेंटी बस इतना ही ठीक है तो देखो आज कोई नया बच्चा टिक मारा है ये है कौन ये है कौन इसका सर नाम पर चल जाता है यार ठीक है आपका नाम क्या है मिस्टर जो आप जीते हो आज गौराश नहीं होगा गौरांश नहीं हो सकता है गौरश अपने नाम को नीचे करके कैसे जिता दे किसी और के नाम को हैं तो चलिए सभी लोग अगर मजा आया हो ना यार हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और अधिक से अधिक, अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ठीक है तो मिलते हैं अपनी अगली, अगली क्लास के अंदर कोई डाउट्स हो कोई प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हो ठीक है आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ठीक है अभी मैं डाल दे रहा हूँ सभी वीडियोस के अंदर ठीक है अब जो वीडियोस पड़ेंगी सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक पड़ा रहेगा ठीक है मैं उसको इंटर कर देता हूँ ताकि मुझे जुड़ सकें और भी बहुत जुड़ नहीं पाते हैं ठीक ठीक है तो सभी लोग रेडी रहो आपकी अगली मिनटी आधे घंटे के बाद रहेगी आपकी अगली मिनटी आधे घंटे के बाद रहेगी आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है अभी तुरंत आपको लिंक जो है मिल जाएगा आधे घंटे के बाद आपकी मिनटी रहेगी ठीक है तो परेशान नहीं होने का फ्रेंड्स ओके तो बायरी वन मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर लिए टाटा बाय बाय बायरी वन बाय 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 ठीक है